जांबवती जॉ और 10 रुपीज के टिकट्स 5 ले आओ। ओके। गोविंदा 10 रुपए का बुकिंग क्लोज हो गया तो 6 रुपए वाले ले आओ ना। नो चांस, वो पहले ही क्लोज हो गया, हॉल फुल हो गया है। तेरी पेट भराई, प्रोग्राम के लिए देर हो रही है, जल्दी निकलो कहने पर भी पाव बच गई तो बाजी, बाजी बच गई तो पाव मंगा के सारी होटल खत्म कर दी। तेरी वजह से अब सारे टिकट खत्म हो गए। तो क्या हुआ, यहाँ ब्लैक में मिल रहा है? ब्लैक में टिकट खरीदेगी? हाँ। लॉ स्टूडेंट होकर कल के दिन अन्याय को रोकने की प्रतिज्ञा करने वाले हम ही ब्लैक में टिकट खरीदें तो अब इस देश का क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, डिग्रियां ब्लैक में मिल रहे हैं, नौकरियां ब्लैक में बिकते हैं, दाल चावल भी ब्लैक में मिल रहे हैं, तो टिकट खरीदने में क्या हर्ज है? भले कुछ भी ब्लैक में बिक जाए लेकिन कानून और धर्म बिकनी नहीं चाहिए, मैं नहीं मानूंगी। चलो चले। ठीक है, चलो। चांद का टुकड़े पे मरता हूँ, प्यार का इजहार करने डरता हूँ। वो क्या राज है, हाँ वो खास है, वो प्यार ही की रोशनी वो है, मेरे जीवन का वही सहारा है, मेरे सांस तेरे गीतों की अमानत है। ओ प्यार भरी मीठे में कैडबरी, क्या हुआ बस नींद से जागा, परियां बस गायब हुई, मेरे दिल को हर खुशी को लेकर वो गायब हुई। वो प्यार ही मेरा दिल लूटा, मुझे एक अमानुष बनाया। हा, 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 हा। मैं एक चांद का टुकड़े पे मरता हूँ, प्यार का इजहार करने डरता हूँ। बेपनाही की हद से गुजरना है, मेरे जीवन के तू ही सहारा है, प्यार खोकर मैंने दिल की चैन गवाया है। वो प्यार की मूरत है मेरी जरूरत, क्या हुआ बस नींद से जागा, परियां बस गायब हुई, मेरे दिल को हर खुशी को लेकर वो गायब हुई। वो प्यार ही मेरा दिल लूटा, मुझे एक अमानुष बनाया। हा, हा, हा।
का टुकड़े पे मरता हूँ, प्यार का इजहार करने डरता हूँ। वो क्या राज है, हाँ वो खास है, वो प्यार ही रुक जाओ। कहां से आ रही हो? मैं बुआ को, तुम्हारी बुआ को लेकर शहर गई थी, है ना? हाँ पिताजी, बुआ जी को। तुम्हारी बुआ उस रवि को देखना चाहती थी और तू ले गई, है ना? तुम उसे देखने गई तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, कहा था ना मैं? बोले थे लेकिन बुआ जी। मैंने हजार बार कहा था कि अगर तुम रवि को देखने को गए तो तुम्हारे लोकनाथ मामा तुम्हें मार डालेंगे, फिर भी तू देखने को गई। उस लोकनाथ तुझे मारने से पहले ये बेहतर होगा कि मैं ही फांसी पे लटक जाऊं। पिताजी, 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 दरवाजा खोलिए, पिताजी, मेरी बात सुनिए, पिताजी, नहीं पिताजी, मैं रवि को देखने कभी नहीं जाऊंगी, दरवाजा खोलिए। मेरे मरने से पहले तू बदलेगी नहीं। चाचा जी, चाची जी, जल्दी आइए, पिताजी ने फांसी डाल दी, जल्दी आइए। रुक, रुक, तोड़ो दरवाजा। पकड़ो, पकड़ो, जल्दी उठाओ, जल्दी, जल्दी, जल्दी। लाओ, यहाँ बिठाओ। लाओ, बिठाओ। क्या मैं जिंदा हूँ? बिल्कुल जिंदा है। हर बार तू फांसी लेता है, सांस हमारी फूल जाती है, फिर भी तू मरता नहीं है। छी, एक ही बार कोई जहर खा के मर नहीं सकते, हर बार दरवाजे तोड़ना पड़ेगा क्या? पता है ना वकार का भाव कितना बढ़ गया है। चाचा, क्या करूँ बताओ भाई, जब मेरी जवान लड़की मेरी कोई बात ही नहीं सुनती तो मरने के बजाय और क्या करूँ। क्यों बेटी अपने बूढ़े बाप को ऐसे सता रही हो, उन्हीं की बात मान लो, उसमें क्या हर्ज है? देख ब्रह्मा जी, तुहार बेटी तुहार बात मानती कि नहीं हमें मालूम नहीं, इस बार आएंगे तो बचाने नहीं, सीधा शमशान घाट ले जाने। चले चलो चलो। अरे बाप रे, राम राम सरकार। नमस्ते भाई बाप। बाप रे, लोकनाथ जी आ गए, बाप रे, चलो 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 चलो। हम जब वहाँ पहुँचे रहे ससुरी, दरवाजा तोड़ के गए अंदर, देखा वो तो लटक रहा था, मैंने सोचा ब्रह्मा जी तो गए। सरकार सरकार माफ करना सरकार सरकार। नमस्कार लोकनाथ जी, मुझे माफ कर दीजिए सरकार। अभी नमस्ते बोल रहा है, ठीक है? पहले ऊपर बैठ के लेक्चर जाट रहा था, तब कहाँ गई तेरी बुद्धि? आपको आता हुआ देखा नहीं सरकार? नहीं देखा? सुबह सुबह सूरज उगा उनको तो देखा। वो तो मैं देखा हूँ, मगर वो सूरज से भी पावरफुल आदमी मैं चल के आ रहा हूँ, तुझे नहीं दिखा रहे। आज ये लेक्चर दिया, कल दूसरा देगा। ये नाके पे कट्टा थोड़ो ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी। भूल हो गई मालिक, ई बार छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दूं, बेवकूफ, काट के रख दूंगा। अबे मेरा चमड़े का कारोबार है मालूम है ना, तेरी चमड़ी उधेड़ के जूते बनवा लूंगा। कल्याणी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दो। बाप रे, अगर तेरी पति को मालूम पड़ गया तो मेरी चमड़ी उधेड़ कर चिंगादर बना देगा। भैया, इनके कारण पार्वती को कितना नुकसान हुआ है मैं जानती हूँ। मेरा बेटा पागल है ये जानते हुए कल्याणी की जिंदगी दबाह नहीं कर सकती। इनसे इतना डरते हो तो अपने घर बार भेज के कहीं चले जाओ भैया, जाइए भैया। अब तुम जाओ, कल जल्दी आ जा। तुम्हारे घर में चाय पीने की भलक भी पड़ गया तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। रमणा, शाम को सुंदरलाल को मुझे मिलके जाने बोल। अरे वाह साढ़ू भाई, क्या हुआ कल रात कुछ फांसी वांसी का नाटक किया सुना? आप ही का पुण्य है मेरे वजह से। बढ़िया है भाई, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से करने चाहिए, तुझे सूली पे चढ़ने पूछा क्या? तो कल
कल्याणी रवि को देखने शहर गई थी, वो फिर से ना जाए इसलिए फांसी का डोंगा। बढ़िया है साढ़ू भाई, इतने बार फांसी पे लटकने के बाद भी तू जिंदा बच गए, तू बहुत कमीना है। गिनीज बुक करके किताब है जिसमें तेरा नाम चुनवा देंगे। ऐसा क्यों? 100 बार से भी ज्यादा फांसी पे लटक के आज भी जिंदा बचा हुआ इंसान इसीलिए। ऐसा तो आपका नाम भी लिखना चाहिए। मेरा किस लिए भाई? सबसे अधिक खून करने वाले इकलौता आदमी जैसे। बंद करो अपनी बकवास साले साहब। ये बात तेरे बजाय किसी और ने कही होती तो उसकी चमड़े की अभी तक मेरे जूते बन गए होते। हे माँ। हाय मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। फिर तो पूछो ना। वो क्या है कि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। क्या क्या बोलना चाहते हो? वो क्या है कि मैं एक देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ ना? वो क्या है कि तुम मेरे से बड़े हो ना, तुम ही बताओ। अरे अरे अरे, क्या पूछना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, क्या देना चाहता है, ये तुझे पता रहना चाहिए, मुझे नहीं। मैं रेलगाड़ी चढ़ना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात? अगर तू चाहता है तो रेलगाड़ी का क्या, मेरा पीठ का भी सवारी करा दूंगा। सच में? अच्छा रेलगाड़ी बाद में चढ़ूंगा, पहले तुम्हारी पीठ पर चढ़ूंगा। झुको मामा जी, झुको मामा जी, मामा जी झुको, मामा जी झुको, मामा ये क्या कर रहे हो? झुको मामा, भाई दो मुझे चढ़ने दो मामा, मामा जी, मामा जी, मामा जी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेबी। आई एम सॉरी डैडी। अब कितने बजे? आज सैटरडे है ना, बालाजी भगवान के पूजा में आधा घंटा लेट हो गई। उठिए। बेबी भगवान से क्या मन्नत मांगी? भगवान अगर आप सच्चे हो तो मेरी मांग पूरी करके दिखा दो मांगी डैडी। और क्या थी तुम्हारी मांग? सभी लोगों का सम्मान हो और कानून हमेशा मजबूत हो, यही मांगी डैडी। ये जिम्मेदारी भगवान की नहीं बेटी, इंसान की है। दिल से क्रोध और लोभ को निकाल के प्यार और मोहब्बत से जिएंगे तो तुम्हारा सपना साकार होगी बेटी। हिंदू वैवाहिक कानून के अनुसार तलाक की कानून बनाने पर औरत का हक बढ़ने लगा, औरत की संरक्षण बढ़ी है, औरत को पेंशन मिलने लगा, उससे उनका संक्षेम को बढ़ावा मिला है। एक्सक्यूज मी सर, आपके संवाद से मैं खुश नहीं हूँ। जी सर, तलाक लिया गया पुरुष तुरंत शादी कर रहा है, लेकिन स्त्री को वो उम्मीद ही नहीं। क्या कोई आगे बढ़ता है उसे शादी करने के लिए? पुनर्विवाह को अमल करने वाली औरत को समाज में कोई मर्यादा नहीं। दूसरी शादी वाली औरत को सम्मान नहीं देना यहाँ कानून का मसला नहीं, समाज की गलती है। उतना ही नहीं सर, बच्चे होने के बाद अगर पति पत्नी तलाक लेते तो उन बच्चों को पिता के पास रखने को हिंदू मैरिज एक्ट कहती है। उन बच्चों के जन्म के लिए दोनों कारण है, फिर पति के पास ही छोड़ना कैसा इंसाफ है सर? लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। मेरा सिर्फ गुस्सा ही नहीं मास्टर जी, आक्रोश है। बरसों से होने वाले अन्याय का कैसा सामना किया जाए यही मेरा चिंता है। कृतयुग में हरिश्चंद्र ने पत्नी का भाव लगाकर बेच दिया, किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं की। और त्रेता युग में राम जी, सीता निरपराधी थी फिर भी जंगल में छोड़ आया था, राम जी से सीता ने कोई सवाल नहीं की। द्वापर युग में धर्मराज अपनी पत्नी के साथ खिलवाड़ किया था, तब कहां गया था ये कानून सर जी? वो सब पुराने दिन बेटा, इस युग में हरिश्चंद्र हो या धर्मराज हो पुलिस स्टेशन जाना ही होगा, उनसे बचाने के लिए ही सारे कानून बने हैं। ये झूठ है सर, मुश्किलों से गुजरी शकुंतला को किसने दिलाया था इंसाफ? दहेज के झंझट में कितने औरतें मारे गए थे बोलिए सर। तुम्हारी प्रश्नों का उत्तर हमारी पीढ़ी बोल नहीं सकती, तुम्हारी ही पीढ़ी बोलेगी। मुबारक हो भारती, प्रोफेसर को पानी पिला दिया तुमने। चुप बैठो, सवाल मास्टर जी को चौंका देने के लिए थे क्या? और क्या, मेरे सवालों में सच्चाई नहीं है क्या? औरत पर जुल्म हो रहा है। जरूर है। फिर उसकी चिंता करने के बजाय आप लोग मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? जुल्म के बारे में बाद में यार, पहले पेट पूजा के बारे में सोचो ना। हाँ हाँ, अभी चलते। फाइव चॉकलेट्स ये लीजिए। थैंक यू। ये भी लीजिए। अरे वाह, पहले पेट ठंडा करेंगे फिर औरत के जुल्म के बारे में सोचेंगे। जिसका पेट भरा हुआ हो वो समाज के बारे में नहीं सोचता। हे भारती, पिछले हफ्ते जो शो मिस हुआ उस रविशंकर का आज शाम को फिर से है, देखो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्रेम यात्रा की एक्सप्रेस ट्रेन 1 नंबर के प्लेटफार्म के ऊपर पहुंचने वाली है।
और दिलों, आजा मेरी रानी, चढ़ जा मेरी गाड़ी, तेरी मेरी जिंदगी की प्यार की सवारी, दुनिया की सैर करे आजा गोरी, तू साथ हो, हसी रात हो, दिल से दिल का हो संगम, मस्ती का हो ये आलम। टिकट प्लीज। यस प्लीज। छुड़िए प्लीज। हाँ। जवानी की ये लूट ले सुर्खिया, आँखों में ले ले मुझे बालमा, हो तेरे मेरे होठों की ये मेला, जिस्मों की ये मेल आल बेला, श्रृंगार में ये सुर्खिया चुस्किया, ले ले मजा जिंदगी के ओ साजना, साथ हो हसी रात हो, तन से तन का ए चुंबन, जन्मों का है ये बंधन, और दिलो 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 मेरी जा और दिलो, आजा मेरी रानी, चढ़ जाऊंगी गाड़ी, तेरी मेरी जिंदगी की प्यार की सवारी, दुनिया के करके आ जाएंगे, तू साथ हो हसी रात हो, दिल से दिल का हो संगम, जन्मों का हो ये बंधन। मेरे तुझको कहे शुक्रिया, सात जन्मों की ये साथ जन्म, होना जुदा तुमसे जन्मों जन्म, जन्मों का नाता जुड़ गया घुल गया, प्यार की अमृत बरसा गया, तू साथ हो हसी रात हो, खुशियाँ दिल दिल दिलो मेरी जाओ दिलो, आजा मेरी रानी, चढ़ जाऊंगी गाड़ी, तेरी मेरी जिंदगी की प्यार की सवारी, दुनिया के सैर करके आ जाएंगे, तू साथ हो हसी रात हो, संगम जन्मों का हो ये बंधन।
मैनेजर, अभी जो डांस कर रहे थे वो रविशंकर जी किस तरफ गए? वो पिछवाड़े से जा रहे हैं। थैंक यू अंकल। वाह बिटिया भारती, तुम्हारे नाच देख कर चौंक गया। डांस में इतना माहिर कब बन गई? 26 जनवरी को हमारे जेल में एक प्रोग्राम क्यों नहीं करती? वो तो ठीक है अंकल, लेकिन उनको गिरफ्तार करके कहाँ ले जा रहे हो? वो एक हत्यारा है, थोड़ी ही दिन में वो फांसी पर चढ़ने वाला है। अंकल, तो वो यहाँ प्रोग्राम? देखो बिटिया, मर के कुछ लोग राख छोड़ जाते हैं और कुछ लोग नाम कर जाते हैं। मुजरिम जेल में आने के बाद कितना बड़ा ही जुर्म क्यों न किया हो, इसने मरने से पहले अपंग बच्चों के लिए कुछ करने का फरियाद किया। समाज के बेहतरी के लिए सरकार ने भी इसकी दरखास्त को मंजूर कर लिया। हाँ, कितने अच्छे इंसान है। लीजिए साहब जी, बिटिया भी आ गई। आओ बिटिया बैठो, आधा घंटे से पिताजी खबर सुनने के लिए उतावला हो रहे हैं। क्या बेबी, आज मंदिर नहीं गई क्या? रात में म्यूजिकल नाइट को गई थी डैडी, इसलिए लेट हुआ। पहले पेपर पढ़ के सुनाओ बिटिया, देश का हाल जाने बिना नींद नहीं आती है पिताजी को। जल्दी पढ़ो, मेरे से बड़ा खबरों का पागल है। विपक्षों ने हम पर झूठी आरोप लगाया। यही है क्या आज का ताजा खबर? हाँ डैडी। जिस दिन से मैंने होश संभाला है यही खबर सुनते आया हूँ, अब तो अंधा भी हो गया हूँ। अखबार वालों ने ये खबर छापना बंद नहीं किया, विपक्षों ने कुछ नहीं किया। कौन सी आरोप पढ़ के सुनाए बिटिया? साल का पहला संसद समावेश शुरू हो गए हैं, मुख्यमंत्री राजशेखर जी बात करते हुए। क्या बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्यों डैडी? संसद समावेश में मुख्यमंत्री कहाँ से आता बेटी? I'm sorry डैडी, आज मेरा मन ठीक नहीं है। It's all right, जाके आराम करो। बाबूजी, मैं एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलना। जवान लड़की का मन नहीं लग रहा है तो शादी का वक्त आ चुका है। साहब, बिटिया रानी के लिए कवर आया है। यहाँ दो। बिटिया, बिटिया रानी। हाँ। आपके लिए कुछ फोटो आए हैं। हाँ? क्या हुआ बिटिया, फोटो अच्छे नहीं आए क्या? नारायण, रवि बाबू, रवि बाबू, आपने खून नहीं किया, आपने खून नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता, उसी ने मारा। नारायण, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? बिटिया, इस तस्वीर वाले रवि बाबू ने खून नहीं किया। क्या तुम रविशंकर को जानते हो? हाँ बिटिया, अच्छी तरह, हम दोनों का एक ही गांव है। चा मुंडेश्वरी, मुंडेश्वरी, ईश्वरी स्वरी। दैया रे दैया, काहे को इस तरह?
चिल्ला रहे हो? चिल्लाना नहीं, जेल में सुरंग के जैसा मेरे कालो बालों में सफेद बाल उग गया है, जरा उसे उखाड़ देना। काहे को उखाड़ना? बुढ़ापे में बाल सफेद होना मामूली बात है। बूढ़ा होगा तेरा बाप, 14 सालों से नींव लगाकर काम करते करते कर रहा हूँ, पर एक बच्चा भी नहीं दे पाई बांझ। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, आप ही बैसो। मैंने कभी मना किया क्या? शाम होते ही मेरा जेल मेरा खैदी बोलते हुए चले जाते हो। 14 साल की शादी में एक रात भी मेरे साथ गुजारे क्या? सो तो रहा हूँ कभी कभी। कब आए? जब मैं बिस्तर पे चढ़ने लायक नहीं तब क्या? बेटी चामुंडेश्वरी। हे भगवान, लगता है पिताजी आए हैं। चलिए जी, पिताजी आइए आइए। जुग जुग जियो, पुत्रिका सौभाग्यवती सुखी भव। अभी आ रहे हो क्या? बेटी मैं कल भी परसों भी नर्सों को भी आपको वर्तमान भिजवाया हुआ मिला हुआ है। उसमें जैसा लिखा था मैं आज ही काशी के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। काशी की यात्रा में बिल्लियाँ और बेटियाँ मना है, शास्त्र बोलता है, इसीलिए तुम्हारी सहोदरी लक्की को तुम्हें सौंप के जाने आया हूँ। ठीक है। प्यारे लक्की, अच्छा पढ़ रही है ना? नहीं, इसे पढ़ाई और लिखाई नहीं, पाठशाला से भागकर लड़कों के घंटों के साथ गिल्लियाँ खेल रही है। दैया रे दैया, गिल्ली डंडा नाक कटवाएगी क्या कल मोही? अगर मैं खेली तो क्या हुआ, मैं तो कंचे भी खेलती हूँ। कंचे भी? हे भगवान। गिल्ली डंडा अच्छा खेल है, ऐसे ही और खेल मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बस कीजिए बकवास, पिताजी के लौटने से पहले इसे क्या क्या सिखाऊंगी देखते रहिए। पिताजी अंदर चलिए ना। नहीं बालके, मैं काशी जाकर उस विश्वेश्वर के दर्शन किए बगैर पानी भी नहीं ग्रहण करूंगा, ऐसी व्रत है। अब पैर गंगा में ही दूंगा, चलता हूँ। देख बेटिया संभाल के रहना। दामा जी, बेटी को संभालो। चलो मेरी लक्की। जेल के कैदियों के भागने से और लक्की के गिल्लियों को दंडों से मुझे ही पहरा देना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग अंकल। ओह वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहो बेटी कैसे आना हुआ? अंकल उस रविशंकर की केस फाइल या पर्सनल डिटेल्स आपके पास हो तो मुझे चाहिए। किस लिए? शायद उसने ये खून नहीं किया हो, मुझे शक है कि उसे जबरदस्ती फांसी पे चढ़ाया जा रहा है इसीलिए। देखो भारती, फांसी का सजा से किसी को बचाना नामुमकिन है। बट लेट मी ट्राई। ओके ओके, जैसी तुम्हारी इच्छा। कमान कमान कमान। मिस्टर रविशंकर, मिस्टर रविशंकर। क्या आपने मुझे पहचाना? याद रखने की क्या जरूरत है, जितने पल तुम याद रहोगे उतने दिन भी मैं नहीं जीऊंगा। जरूर रहोगे। आप देवता हो क्या? न्याय देवता की प्रतिनिधि हूँ, लॉ स्टूडेंट। जब कानून के बड़े बड़े महारथियों की कोशिश के बावजूद मेरी सजा माफ ना हो पाई, बच्ची हो तुम क्या कर पाओगी? लिसन मिस्टर रविशंकर, आप बेगुनाह हो। मैं अपराधी हूँ ये सारी दुनिया जानती है, और ये बात मैं अदालत में कबूल भी कर चुका हूँ। आपकी नादानी ने आपसे कबूल करवाई, मुझे इस केस का पूरी जानकारी है, इसीलिए आपको बचाने के लिए यहाँ तक आई हूँ। मौत को ढूंढते हुए मैं जा रहा हूँ, और आप क्या सोचकर मुझे बचाने आए हो? मौत के गोद में सोकर मैंने चादर भी ओढ़ लिया। मिस्टर रविशंकर मेरा विश्वास कीजिए। बकवास है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा बचना नामुमकिन है, और मुझे बचने की तमन्ना भी नहीं है। अगर आप कृपा कर चली जाएंगी तो मैं चैन से मर सकता हूं। नो, जिंदगी के मोल आप नहीं जानते। भले 100 दोषी बच जाएं, पर एक निर्दोष को भी सजा नहीं होनी चाहिए, ये प्रियम्बल जानते हैं ना? मिस्टर रविशंकर, लॉ इज ग्रेट। डू हेल विद योर लॉ, प्लीज गेट अवे फ्रॉम हियर। नहीं, सिर्फ लॉ ही आपको बचा सकती है। आप में जीने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन आप बेगुनाह हो ये जानने के बाद मैं आपको फांसी नहीं चढ़ने दूंगी। क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? इन्हीं हाथों से मैंने रंगा का खून किया था। खून में लथपथ रंगा को मैंने इन्हीं आंखों से देखा था। पुलिस जब मुझे गिरफ्तार करके लेके जा रही थी तब रंगा की लाश वहीं थी। आप जो देखा वो झूठ था, आप बेगुनाह हो यही सच है। संजय, क्या हुआ? आस्क दिस लेडी टू गेट अवे फ्रॉम हियर। चलिए मैम साहब। ओ बचाती हो बोल रही है, तू चिल्ला रहा है क्या बात है?
जब बनाने वाले से ही मेरी किस्मत बदल नहीं पाई तो ये नादा मुझे क्या बचाएगी चाचा। नमस्ते। नमस्कार। आप? मैं भारती हूँ, लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आप ब्रह्मा जी के बेटी कल्याणी हो ना? जी हाँ, लेकिन मैं आपको कभी नहीं देखी। यस, मैं आपको ही ढूंढते आई हूँ। रविशंकर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए मुझे। केस खत्म हो गई, मेरे रवि का जीवन भी खत्म हो जाएगी। अब सब कुछ जानकर अब क्या करोगी? मैं आपके रवि को निर्दोष साबित करना चाहती हूँ। उसके लिए मेरे पास चश्मदीप गवाह है। लेकिन रंगा की हत्या होने से पहले उन दोनों परिवारों में क्यों बदली की आग शुरू हुई, यही मैं जानना चाहती हूँ। अब सचमुच हमारे रवि को बचाने आई है तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। अंदर आइए, बैठिए। थैंक यू। रवि डिग्री खत्म करके गांव वापस आया। हमारे फूफा जी धर्माराव जी ने उसे एमए कराने की ठान ली थी। एक दिन रवि। अरे बाप रे कल्याणी, दिल को सुकून पहुंचाने के लिए संगीत में डूबा हुआ था। इधर चिपकली अचानक मेरे ऊपर गिर गई। डर के मारे मेरी जान ही निकल गई। हाँ, चिपकली से ही। चिपकली गिरी तो कुछ रिएक्शन ही नहीं है। कल के दिन कोई मुझ पे हाथ डालेगा तो क्या करोगे? तुझे नजर उठा के कोई देखेगा तो उसके आंखें निकाल लूंगा। शुक्र है, कम से कम वो बात तो कही। रवि, हाँ? वैसे चिपकली हाथ पे गिरने से क्या होता है? मेरे ख्याल से ऊपर चिपकली गिरने से कल्याण योग है। इसका मतलब तुम्हारी जल्दी ही शादी होने वाली है। तुम्हारी? तुम्हारी क्या? हमारी बोल, हमारी शादी बोल, नहीं तो तुम्हारी। रवि बेटे, रवि। हाँ पिताजी। एमए के फॉर्म भर के भेज दिए? आगे और पढ़ के क्या फायदा, बेरोजगारी बढ़ाने के अलावा और कुछ काम नहीं है। आपके साथ ही रह के खेती बाड़ी करूंगा। नहीं बेटा, भगवान की दया से इस बार फसल अच्छी हुई है, कम से कम 3 लाख का मुनाफा हो सकता है। 2 साल मैंने थोड़ा कष्ट करी तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। ठीक है पिताजी, कल ही जाके एप्लीकेशन भराऊंगा। चलता हूँ, जल्दी घर आ जाना, साथ में खाना खाएंगे। ए रवि, तुमने कहा था ना चिपकली हाथ पे गिरना अच्छा शगुन है, देखो कितना बुरा शगुन निकला। इतना गलत क्या कर दिया चिपकली ने? और नहीं तो क्या, तुम्हारे एमए की वजह से हमारी शादी 2 साल पोस्टपोन हो जाएगी। अच्छा, तो तब तक नहीं रुक सकती क्या? तो एक काम कर। क्या करूँ बताओ? जाके जोगन बन जा। रुक। अब भाग। जुजता मेरे पास आ, बेरियों के छाव में, पीपल के पन्नावों में बजते हैं खन 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 तेरे कंगनिया, लचकती है चन 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 तेरी कमरिया, बजते हैं खन 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 तेरे कंगनिया, लचकती है चन 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 तेरी कमरिया। युजुता जा जा जा, जुजुजु जा, पारे हट जा, बेरियों में खाते हैं पल में सन्नाटे हैं, यूं ही न बजते हैं मेरे कंगना, चुपके से आना तो मेरे अंगना, यूं ही न बजते हैं मेरे कंगना, चुपके से आना तो मेरे अंगना। इच इचता आ आ आ, जुच जुच जा, पारे हट जा। जा
ओ छोड़ो ये नादानिया आजा मेरी बाह में छेड़ो छेड़ो ना छेड़ो मुझे राहों में झूमती बहारों में ना कर ऐसी दिल लगी तू है मेरी आशिकी बन जा तू मेरी रानी हो गई मैं तेरी दीवानी मेरे दिल की तू धड़कन है सुन ले मेरी दिल रुबा तू आजा समा जा तू मेरे दिल में जाने जा यूं ही ना बजते हैं मेरे कंगना लचकती है चन 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 तेरी कमरियां यूं ही ना बजते हैं मेरे कंगना लचकती है चन 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 तेरी कमरियां इचु इचुता जा 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 जु 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 जुता मेरे पास आ आ आ, आ। ए पकड़ जो कलाई तो छोड़ूंगा कभी मैं ना मेरी ये जवानियां तेरे नाम कर दिया घोड़ी पे आ जा तू उस दिन तक ठहर जा तू अब ना होगा मुझसे और एक पल का भी इंतजार तो आजा हले जा मुझे तेरे संग जाने जा बजते हैं खन 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 तेरे कंगनिया यूं ही ना बजते हैं मेरे कंगना बजते हैं खन 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 तेरे कंगनिया बजते हैं मेरे कंगना इच इच दा आ आ आ जुच जुच जा आरे हट जा बेरियों के छाव में पीपल के पन्नाव में यूं ही ना बजते हैं मेरे कंगना लचकती है चन 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 तेरी कमरियां यूं ही ना बजते हैं मेरे कंगना लचकती है चन 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 तेरी कमरियां बुआ क्या सचमुच रवि एमए पढ़ने जा रहा है पढ़ाई जरूरी है ना खेती बाड़ी का क्या भरोसा 10 एकड़ की आशा में से 10,000 पगार लेने वाला कहीं बेहतर है मतलब 2 साल और रवि को होटल का खाना खाना पड़ेगा तेरी पतली कमरिया बाली उमरिया देखो ना बुआ रवि मुझे चिढ़ा रहा है देखो ना बुआ रवि मुझे चिढ़ा रहा है बच के रहना माँ ये यहाँ छास छानने नहीं आई है बल्कि तेरा कान भर के मुझे फंसाने आई है मैं अच्छा? नहीं फंसने वाला तुझे याद है ना माँ परसों ये खाने का न्योता देने आई थी मैं गया था इसने मीठे में गुलाब जामुन बनाई थी क्रिकेट बॉल जैसा और इसने कांधा पोहा बनाया माँ मुंह में छाले पड़ गए बोलो और इसने अचार बनाई माँ स्वर्गवासी होते होते बच गया और ये चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ रवि नहीं 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 कुछ नहीं छोड़ूंगी चाहत के उमंग दूध से निकल के दही और छन्नी के जंग से माखन तक आ पहुंची है शर्म नहीं आती बुआ के सामने ऐसे कहते हुए बुआ कुछ बुरा नहीं मानेगी अजय चुम्मा दे दे माखन 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 खिला दे ये क्या मैनेजर साहब मेरे भाई के पास 40 एकड़ की जमीन है कर्जा लौटाने के हाल में नहीं है ये हम कैसे मान लें वो सब हम नहीं जानते श्योरिटी का दस्तखत आपकी है आपको ही ये रकम भरना पड़ेगा क्या है पिताजी ये सब तेरा चाचा ने 2 लाख का कर्जा लिया था मैंने उसकी हामी भरी थी बैंक वाले ने नोटिस भेजी थी पर तेरे चाचा ने पैसा देने से इनकार कर दिया हामी मैंने भरी थी तो वो कर्जा मुझे ही चुकाना है बोल रहा है ये क्या इंसाफ है सर मेरा चाचा रईस है और उसके तिजोरी में बहुत पैसा पड़ा है ये सब जानते हैं 2 लाख नहीं चुका सकता ये आप कैसे उन्होंने ऐसा लिख के दिया है उनके पास फूटी कोड़ी नहीं ना कोई जमीन जायदाद इसलिए रकम नहीं बत... किस लिए मदद करने के लिए मेरे पिताजी ने वहाँ दस्तखत की सारे रकम हम क्यों भरे देखिए मिस्टर आपको बैंक का रूल मालूम होंगे सूद समेत वो 2 लाख रुपया आपके पिताजी को ही देना पड़ेगा अगर नहीं भरेंगे तो आपके जमीन जब्त करना होगा मिस्टर मैनेजर बेटा ये तो नौकर है इन पे गुस्सा करके क्या फायदा चल तेरे चाचा के यहाँ जाके निपट लेंगे देखो मेरे बात ध्यान से सुनो
गांव में बैंक मैनेजर आया हुआ है। मैंने जो बोला सब याद है ना? कुछ गड़बड़ हुई तो तुम दोनों का चमड़ी का भी जूते बनवाना पड़ेगा। अब तुम अंदर जाओ। आइए साहब। नमस्ते मैनेजर साहब। ये क्या बड़े भाई साहब को आपको सब जानते हुए बोला बन रहा है? कर्जा चुकाने से इनकार क्यों कर रहा है तू? आपसे कौन सी बात छुपी है भैया? 2 लाख रुपया कर्जा लेके पुल का कान ताट लिया ना, वो पुल आधा बनाने के बाद टूट गई तो सरकार ने पैसे नहीं दिया। इसलिए उन्हें मेरे पास भेजेगा? मैंने नहीं भेजा भैया, शायद मेरे पास पैसे नहीं है तो आपसे मांगने आ गए होंगे। क्यों नहीं भर सकते? 40 एकड़ जमीन है, 2 लाख नहीं भर सकते क्या? मेरे पास जमीन कहाँ है रे रवि बाबू? जो 40 एकड़ जमीन है उनमें 20 एकड़ तेरे मौसी के है, 20 तेरे भाई के। वो तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है? बीवी बच्चे है पर जायदाद और जमीन के पास कोई रिश्ते नहीं बोलते है। झूठ है, ये सब मेरे पिताजी से पैसे भरवाने के झूठे नाटक है। हे राम हे राम, एक काम करो, अगर मैंने झूठ बोली हो तो मेरे चमड़ी उधार दो। ठहरो, तुम्हारे सामने ही पूछता हूं। शारदा भाई, अपने हिस्से की जमीन मुझे दोगी क्या? कर्जे चुकाने हैं। सारे कर्जे आपने लिए, उसे मैं क्यों भरूं? बिल्लू बेटे, तेरे जमीन मुझे देगा क्या? जी मेरा कर्जा चुकाने के लिए? मैं नहीं दूंगा, वो मेरा है। अब सपने सुना और देखा, अब मैं क्या करूं आप भी बताइए। अब करना क्या है? आपके पास पैसे नहीं है तो भैया ने दिए धर्मा जी से ले लेंगे। कभी नहीं, इसका तिजोरी तोड़ के मैं वो पैसे आपको लाके दूंगा। रुक जा बेटा, तू इतना गुस्सा मत हो रवि। छोड़ दीजिए पिताजी, रिश्ते नाते छोड़कर सगे संबंधियों को पैसों के लिए फंसाने वाले ऐसे कमीने पर कोई रहम नहीं। आज या तो यहाँ इसकी सर फटेगी या इसकी तिजोरी। बेटे रवि, 25 साल से मैं इस गांव में इज्जत से जी रहा हूँ, पैसों के लिए तेरा चाचा नीच बनेगा तो हम भी बनेंगे क्या? नहीं बेटा, चलो। आप सच में धर्मराज हो भैया, आपकी जमीन जब्त होगी इसकी चिंता ना करें, जैसे ही मेरी हालत ठीक होगी मैं आपका पाई पाई लौटा दूंगा। हले मेरे इज्जत बताने के लिए आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा परिवार को कुछ हुआ तो याद रखना, कल ये श्राप बन के तेरा परिवार को खा जाएगा। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आइए। अरे सुनवा सुनवा पिताजी, आइए बैठिए। हाँ, अरे इधर ले, थोड़ा पानी लेके आना, इधर जल्दी। पिताजी पिताजी, रवि रवि पिताजी, बेटे लोकनाथ का सर काटकर मेरे स्वर्गवासी पिताजी को श्रद्धांजलि देने जा रहा हूँ माँ। हट जाओ। रुक जाओ बेटा, तुम बहुत गुस्से में लगते हो। आज मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता, पिताजी ने भी उनके गुस्से पर काबू रखकर उस कुत्ते को छोड़ दिया, इसीलिए वो मर गए, वरना पिताजी के चिता की जगह में उस कुत्ते की चिता जल रही होती। बेटे, शारदा मेरी सगी बहन है, उसे भी विधवा बनाओगे क्या? ये रिश्ता जब उनके पति ने हमें धोखा दिया था तब याद नहीं आया उन्हें? शायद पति से डर गई होगी। जब लोकनाथ अपना जायदाद नीलामी में खरीद के उसके बेटे के नाम पे लिख रहा था तो तब क्या वो सो रही थी? जो हुआ उसके बारे में लड़ाई क्यों? जिसकी पापों की सजा वही भुगतेगा। तुम इतना कमजोर नहीं कि हम दोनों का पेट ना भर सके? ये गांव छोड़ के हम चले जाएंगे। लोकनाथ के मौत से पहले मैं ये गांव तो क्या, ये दुनिया से भी नहीं जाऊंगा माँ। दीदी बेटा, सुहाग को खो के उजड़ी हुई मांग से बहन कैसे दिखती है देखने आए क्या छोटी माँ? बेटा, मैं जानती हूँ मेरा पति हैवान है, धन के लालच में कुछ भी कर सकता है, मगर
उन्हीं पैसों के लिए मेरी बहन का सुहाग उजाड़ देगा, ये मैंने नहीं सोचा। आपके बहते हुए आंसू और आपकी सहानुभूति इस घर को जो नुकसान हुआ है उसे भर सकते हैं क्या? मेरी माँ की सिंदूर लौटा सकते हो क्या? मांग से निकला हुआ सिंदूर भले ही लौटा नहीं सकती, हाथ से निकला हुआ जायदाद वापस लेके आई हूँ बेटा। भैया, पिताजी ने धोखे से तुम्हारा जमीन मेरे नाम कर दिया। मैंने उनको चकमा देके आपका जमीन आप ही का नाम करके लाया हूँ, लीजिए भैया। ले लो बेटा, ले लो, आज इसे लेकर रजिस्ट्रेशन करा लो। जालिम भगवान ने इसे पागल बनाया है, तू भी जल्लाद बन के इसे लावारिस मत बनाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे खातिर इसके पिता की जिंदगी बख्श दो। लगता है भगवान ने दोनों सगी बहनों को एक ही बार विधवा मनाने की ठान ली है। अपने गुस्से से मेरी किस्मत में यही लिखोगे क्या बेटा? सुन रे, एक आध पागल उसके घर पे जना है करके तेरा बाप हमेशा रोते फिरते रहता है। आज जाके उसे बता दे कि इस अत पागल ने उसकी जान बचा ली। जा, जा रे। तेरी इतनी हिम्मत, आज तुझे मार डालूंगा। तेरी माँ से मिलके जमीन वो सुपर के नाम करके आ गया। रुकिए। कर दिया तो क्या गलत किया? क्या गलती? तुम्हारे पैसे के हवस ने मेरे बहन की मांग उजाड़ दी। उस परिवार को जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई करना कोई गलत काम नहीं। क्या बोल रही है कुतिया? बहन के ऊपर बहुत प्यार बरस रहा है। मुझे ही दबाह करने पे तुल गई, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। रुक जाइए, मेम साहब पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती आपको? ए अपाई साला, बीच में बोलेगा तो तेरा जुबान खींच लूंगा। चले जाए यहाँ से। हमने वो जमीन नहीं लौटाते तो भैया तुमको जमीन के अंदर गाड़ दिए होते। क्या मुझे गाड़ेगा? तेरे ही वजह से भैया ने तुमको छोड़ दिया, याद रखो। इसकी समाधि तो मैं बना दूंगा, तू और तेरी माँ दोनों मिलकर दस्तखत करके देने से वो मालिक बन जाएगा क्या? देखता हूँ, बागीचे की सारे फल तुड़वा के लारियों में शहर भिजवा दूंगा, देखता हूँ कौन माई के लाल बीच में आएगा। जमीन फिर से तुम्हारे नाम पर करने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे चाचा जी चुप बैठेंगे। और क्या कर सकता है वो? वो पक्का कुछ न कुछ करेंगे, तुम फिर लड़ने जाओगे। ये सब जरूरी है क्या रवि? तुम शहर जाके अपनी पढ़ाई पूरी करो ना। रवि बाबू, आपके चाचा जी बागीचे के सारे फल तुड़वा के लॉरी में लोड करवा रहे हैं साहब। जान से न मार के छोड़ दिया तो रंग दिखा रहा है साला। रवि बेटी कल्याणी, ये दुश्मनी और मारपीट कहाँ तक ले जाएगी मेरा समझ में नहीं आ रहा। तू जा, समझा बुझा के उसको घर ले आ बेटी। जा बेटी। ठीक है बुआ। दुल्हन के जैसा मत चलो, जल्दी जल्दी चढ़ाओ चढ़ाओ। अरे जल्दी कर। अरे ओ लोकनाथ, क्या रे? मैं तेरा चाचा हूँ ये बात भूल गया क्या? नाम से पुकार रहा है? रिश्तेदारी नहीं निभाने आया हूँ मैं, ये फल मेरे हैं और मैं ही इन्हें बेचने ले जाऊंगा। वो अगर बीच में आए तो तुझे भी तेरा बाप के पास भिजवा दूंगा। देख क्या आ रहा है सालो, दिखा लो गाड़ी। जीजा जी, हम सब एक ही बिरादरी के हैं ना, क्यों ये बेफुजुल के? तू चुप भाई, धृतराष्ट्र के पास संजय के जैसा मेरे पास रह के मुझे ही नसीहत सिखा रहा है। रवि उतर जा लॉरी से। नहीं, ये लॉरी सीधा मैं शहर ले जाऊंगा और फल बेच के आऊंगा। कौन कुत्ता रोकता है देखता हूँ। राका, Ha 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 ha
उस तरह लॉरी एक्सीडेंट में घायल हुए रवि हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उसी मौके का फायदा उठाते हुए लोकनाथ मामा ने अपने बेटे के साथ मेरी शादी करने की कोशिश की। तुम्हारे शादी के दिन ही रंगा की हत्या हुई थी ना? हाँ। उसके बाद की कहानी मैं जानती हूँ। कल्याणी, रवि के माँ से मुझे एक बार मिलना है। आइए ले चलती हूँ। मेरी बुआ जी, देखभाल करने वाला कोई नहीं। पिताजी से नजर बचा के कभी कभी मैं ही आती जाती रहती हूँ। बुआ जी, जी मैं कल्याणी। ये वकील भारती है, रवि के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहती है। नमस्ते माँ जी। पुलिस और वकीलों का पूछताछ और सवाल जवाब सारा कुछ हो गया। नहीं पार्वती जी, आपका बेटा निर्दोष है मैं जानती हूँ। यही बात साबित करने के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। तूफान में जलता हुआ दिया को हवा से बचा सकते हैं, लेकिन उसे सदा जलता नहीं रख सकते। आपके बेटे को बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाऊंगी। वक्त के जख्म अभी भी ताजा है, छोड़ दो बिटिया। पार्वती जी, गुजरे हुए कल और आने वाले पल, भविष्य पर आशाएं, यही तो है जीवन का निर्वचन। निर्वचनों का पाबंद जिंदगी को भगवान भी साथ देता, अब कोई उम्मीद ही नहीं बची। आपकी ये छोटी सी आशा पूरी करने के लिए मैं हूँ, आप निश्चिंत रहिए। इस बार आपके बेटे के साथ ही चौकट पर कदम रखूंगी। आती हूँ कल्याणी। ब्रह्मा जी, हाँ? कौन है ये लड़की चश्मा पहन के मुझे गुस्से से ताड़ रही है? तुमसे नजर मिलाने वाला माइकल लाल इस गांव में पैदा ही नहीं हुआ। एक लड़की को इतना जिगर कहाँ से आएगी? शायद शहर से आई होगी। देखो बिटिया, तुम्हारा गाड़ी को आगे गली में सरका लो। मेरा गाड़ी जाने के बाद वापस जा सकती हूँ, जा। मेरे गाड़ी सिर्फ आगे जाना जानती है, पीछे नहीं। तेवर बहुत तेज है रे, गाड़ी चला, उस कार को कुचल के ऊपर से चला। अबे ओ, रुक जा। बैलगाड़ी कार को क्या कुचलेगा? गुस्से में भूख लग गई जी तुम। वो क्या बकरी का चमड़ा है क्या जो खींचने से हाथ में आ जाएगी? अगर हमने गाड़ी पीछे ली तो मेरा इज्जत डाउन होगा, वो काम मैं नहीं कर सकता ना। घमंडियों का सर झुकाना मेरा हॉबी है। देखो ब्रह्मा जी, ये लफड़ा किसी ने देखा क्या? सारा गांव देख लिया। अच्छा अच्छा, नमस्ते साहिब। कौन है रे वो लड़की? कोई वकील है, ब्रह्मा जी के घर से होते हुए शारदा जी के घर को गई। क्या है ब्रह्मा जी, तू पीछे से मेरे लिए कोई खड्डा खोद रहा है क्या? हे राम, रवि की फांसी की तारीख मुकर्रर किया होगा अदालत ने, वकील है ना, वही बात मेरे बहन तक पहुंचाने को आई होगी। ऐसा है क्या? अगर बात गलत निकली तो तुम्हारा भी चिमड़ी उधेड़ के गांव भर को चप्पल बांटूंगा। चलाओ रे। जीजा जी, तूने बुलाया लकी? अब कराटे सीखे हो क्या? नहीं तो। कुनफू? नहीं। हद तेरी, अगर जेल में कैदी आपको मार के भाग गए तो? भाग जाएंगे? मेरी तन से जान निकल सकती है, लेकिन मेरे जेल से कैदी भाग नहीं सकता। काट कर तोड़ दूंगा, चीर कर फाड़ दूंगा। क्या फाड़ोगे? सब झूठ है। यकीन ना हो तो मेरे जेल के दीवारों से पूछो, हिटलर शर्मा के बारे में, वही बताएंगे सीरियल की मैं कहानी। नहीं मानूंगी। ए लकी, दिखाता हूँ तुझे अभी। ये सब आपके कैदियों के सामने दिखाइए। समझ लीजिए मैं एक फरार मुजरिम हूँ और ये आपका जेल है, मैं भाग रही हूँ। क्या आप मुझे पकड़ पाओगे? हाँ मैं रेडी हूँ। नहीं पकड़ सकते हो जीजू जी, पकड़ के दिखाइए। पत्नी से संतान ना होने के कारण साली से ही शादी करने का कोशिश, इनका जनाजा निकले, क्या हो गया इन मर्दों को? कहीं अखबारों में ही नहीं, यहाँ मेरे आँखों के सामने ही हो रहा है। हे मेरे बालिक, आपको क्या हो गया जी? मेरी भोली बाली बहन को झांसा दे के फंसा रहे हो? इनकी छोड़ो, तेरी मत मारी गई थी क्या? तो फेविकॉल जैसे चिटक गई? फेविकॉल नहीं जी जी, मैं फरार मुजरिम हूँ और मुझे जीजा जी पकड़ रहे हैं। ऐसा क्या? इधरा इधरा, तू इधरा। समझ ले, मैं जीजा जी से बड़ा अफसर हूँ। चोर को क्यों नहीं पकड़ा करके जीजा जी को? ऐसा मारूंगी, ऐसा मारूंगी, ऐसा मारूंगी, ऐसा मारूंगी। आपका नियत मालूम पड़ गया मुझे, किसी भी तरह आप बाप बनने का ख्वाब देख रहे हो।
इसीलिए इस पे डोरे डाल रहे हो। हद हो गई। उसके साथ अगर गिल्ली डंडा खेलता तो शक आ सकती थी। मैं छुपा छुपी खेल रहा हूँ ना। सच में? सच है। 14 साल से सूना तेरी गोद की कसम। ये लकी, तू अंदर चली जा। सच्ची मुच्ची? सच है। मुच्ची सच्ची? सच्ची मुच्ची। ए रवि, ए रवि, तुमसे मिलने कोई आया है? मैं किसी से नहीं मिलना चाहता और मेरे पास किसी को लेके मत आना, बोला था ना मैंने। तो जरूरी बात करनी है। नाम नारायण है, वो कुबड़े हैं। कौन? नारायण? कैसा है नारायण? रवि बाबू, मरने वाले को आखिरी बार देखने आए हो क्या? मरने से पहले एक इच्छा थी कि तुमसे एक बार मिल लूं। शुक्रिया दोस्त, तू ही मुझे ढूंढते हुए यहां तक चला आया। बिटिया रानी मुझे ले आई साहब जी। मेरी बेगुनाही का पागलपन अभी तक गया नहीं क्या? ये पागलपन नहीं है रविशंकर, सच्चाई है। क्या रे नारायण, इसकी बात मानकर तू मुझे नसीहत देने यहां तक चला आया? नहीं साहब, गांव पर मुझे अपाहिज अपाहिज करके बुलाते थे। आप अकेले थे जो मुझे नारायण करके बुलाते थे। ऐसी इंसान को ऐसी सजा क्यों मिली? इतने दिन सोचता रहा साहब, पर अब बिटिया रानी की दीवी स्फूर्ति से जो सच्चाई मुझे मालूम है वो पूरी दुनिया को बता दूंगा साहब। लोकनाथ ही नहीं, स्वयं यमराज आए तो भी मैं तरूंगा नहीं साहब। रविशंकर जी, अगर आप गौर से हमारी बात एक बार सुनेंगे तो आपको इंसाफ मैं दिला सकती हूँ। इस केस के सिलसिले में मैं आपके गांव गई थी, कल्याणी और आपके माँ से मिली थी। मेरी कोशिश के पीछे कल्याणी की आशा, पार्वती जी की आशीर्वाद भी है। प्लीज प्लीज कॉपरेट विद मी। मिस्टर रविशंकर, अगले इतवार को तुम्हारी प्रोग्राम अरेंज किया हूँ। 21 तारीख को तुम्हारी फांसी मुकरर किया है, वो तो तुम्हें पता होगा। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें अच्छा पुनर्जन्म मिले। सॉरी बेटी भारती, इन्हें बचाने का तुम्हारी प्रयास 21 तारीख को खत्म हो जाएगी। आश्चर्यचकित हो, हम हैं किंकरों के राजा, नरक लोक के महाराजा यमा धर्म राजा, महापुण्यवान पर जीवन योग से निर्भाग्यवान, तुम्हारा पति सत्यवान का जीवन लेने आया हुआ प्रेतराज। स्वामी यम धर्मराज, प्राणेश्वर के साथ साथ मेरे प्राण समान सुहाग खोकर ही मैं विधवा बन गई। मैं उनके बिना जी नहीं सकती। आपके साथ मुझे भी ले चलो। यमधर्मराज, 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 मुझे कृपा करो, दया करो, मुझे भी ले चलो। उफ, बाला, क्या है ये नादानी? क्या ये असंभव आशा? डियर फ्रेंड्स, साइलेंस साइलेंस। आज तक आप रविशंकर को नाचते देख चुके हो,
आज ओ यम धर्मराज के किरदार में आपके सामने आया। ये आपके मनोरंजन के लिए किया हुआ किरदार है, मगर उस रविशंकर का जिंदगी में एक दर्दनाक पेशकश था, उस आखिरी पेशकश। डियर फ्रेंड्स, एक कड़वा सच आपने कोई नहीं जानता। आपका चहिता मिस्टर रविशंकर इस महीने 21 तारीख को फांसी पे लटका दिया जाएगा। जो यम धर्मराज इनकी जिंदगी को जल्दी ही लेके जाने वाले हैं, उसी यम धर्मराज की किरदार में इनका नजर आना एक आश्चर्य की बात है। अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट। वो आप सबसे अभी अलविदा लेना चाहता है, मिस्टर रविशंकर, प्लीज। सभी को नमस्कार। अनाथ बच्चों की उन्नति के लिए किए गए ये कार्यक्रम में आके मेरी स्फूर्ति बढ़ाने वाले आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। माननीय जेलर साहब ने कहा कि यह कार्यक्रम मेरा आखिरी प्रदर्शन है, लेकिन वो गलत कहते हैं। फांसी के फंदे पर लटक कर जब मेरी आखिरी सांस रुकेगी, वही इस संसार के रंगमंच में मेरी आखिरी प्रदर्शन होगा। इसीलिए मैं आप सभी को आज अलविदा कहना चाहता हूँ। इस मौके पर मेरी आप सबसे एक ही विनती है, बचपन की गलतियां शायद माँ बाप माफ कर दे। विद्यार्थियों की गलतियां भले ही गुरु नजरअंदाज कर दे, लेकिन जवानी की गलतियां कानून ना माफ कर सकती है ना माफ करेगी। गुस्से से बदले की आग में जल के मेरे हाथ से हुई एक छोटी सी गलती आज मेरी जिंदगी को बलि ले रही है। मौत के मुंह में जाता हुआ मैं अगले जन्म में फिर से इन अनाथ बच्चों की दोबारा सेवा करने का मौका वो भगवान मुझे प्राप्ति दे, यही साकार करने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे तहे दिल से आशीर्वाद दीजिए। आने की कोशिश की तो मैं इस लड़की के सर के धज्जियां उड़ा दूंगा। टेक केयर। नो नो नो। पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन इसे। नो हेल्प हेल्प। नो इंस्पेक्टर, हेल्प कीजिए। नकली पिस्तौल। पुलिस जल्दी चलाओ। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। हेल्प हेल्प हेल्प, छोड़ो हेल्प जान बच गई, पुलिस वाले चले गए। रवि, ये क्या कर रहे हो? आज रात को मैं अपने इंतकाम पूरी करने वाला हूँ। मेरी ये हालत का कारण उस लोकनाथ के टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। रवि, मैं आपको बेगुनाह साबित करके बाहर लाने की कोशिश कर रही हूँ, अब ये हत्या करके दोषी बनना चाहते हो क्या? मैं बेगुनाह हूँ ये आप साबित नहीं कर सकती भारती जी। फांसी के फंदे पे लटकने से पहले उस कुत्ते का धर से सर अलग करके मेरी इंतकाम का आग बुझा दूंगा। नहीं बाबू जी, आप 100 साल खुशी से जिएंगे, मान लो ना बिटिया की बात। नारायण,
पहली बार जब मैं उस लोकनाथ कुत्ते पर हाथ उठाया था तो पिताजी ने मुझे रोक कर उनकी जान गंवा बैठे। दूसरी बार जब मैं उस पर तलवार उठाया था तब माँ बीच में आके मुझे ही खो बैठी। अब तुम दोनों बीच में आकर मेरे अंदर की बदले की आग को बुझाने में तुले हुए हो। रविशंकर, आपका बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करके ही मैं आपको बाहर लेकर आई हूँ। बस एक बार मेरी बात मान जाओ, आपको फांसी से छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी है। समाचार समाप्त करने से पहले एक मुख्य सूचना। थोड़ी ही दिन में फांसी पर चढ़ने वाला मुजरिम रविशंकर पुलिस की आंखों को ठोकरा देकर भाग निकलने में कामयाब हुआ। हमें भी लग गया झटका। आप कुछ भी बोलो, अपना रवि बहुत चला। महाकुल, दुर्योधन सभा में शकुनी जैसे मेरे सर पे क्यों नाच रहे हो? वो अगर जेल से भागा तो पता है क्या होगा? क्या होगा? सीधा वो आएगा और आपसे हाथ देखो मिलाएगा। तेरी चिमड़ी उधाड़ के चप्पल बना लूंगा। वो आके मेरे से हाथ नहीं मिलाएगा बल्कि मेरा हाथ ही काट देगा। सतर्क रहना ही बेहतर है। अपने सारे गुंडों को पहरे पे लगा लो, वो राका को, वो रमणा को। अरे वो रमणा, बुआजी, रवि पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। हाँ बुआजी, देखो पेपर में उसकी फोटो छपी है। भाग गया तो भगोड़ा ही कहलाएगा ना बेटी। मैंने गौरी माता से मन्नत मांगी है, जरूर माता रानी ने उसको बचाया होगा। सब कुछ तैयार है ना? सब तैयार है, तुम जाकर फोन करो। ओके। हेलो, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ही है। मैं भारती बात कर रही हूँ। कौन? सर, रिटायर्ड मेजर चक्रवर्ती जी की बेटी हूँ। अरे आप कहाँ से बोल रही हो? मैं यहाँ हनुमान जी के मंदिर के सामने की टेलीफोन बूथ से बात कर रही हूँ। रविशंकर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है सर, प्लीज जल्दी आके मुझे बचाइए। हेलो हेलो, हवलदार जीप रेडी करो। रवि बाबू, पुलिस आ गई, जल्दी शुरू करो। डीजे वरमाला। आप शुरू करो, बांधो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप बैठो। इंस्पेक्टर जी, छोड़ो। मिस्टर रविशंकर, स्टॉप इट। कमीने कहीं के, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आदर्शनीय इंसान समझकर मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ और ये सिला दिया तूने। इंस्पेक्टर साहब देखिए। मिस्टर रविशंकर, कानून के आंख में धूल झोंक कर जेल से फरार हुए ये घटिया काम करने के लिए। चलो कम ऑन, मूव मूव। योर ऑनर, इससे पहले ये अदालत में कोई भी औरत इस तरह आपके सामने खड़ी नहीं होगी। मैं एक सनातन हिंदू स्त्री हूँ, अपने धर्म और अपने नियम निबंधनों को तन से, मन से और कर्म से मानती हूँ। मुझसे एक खूनी जबरदस्ती शादी कर रहा था और कानून देखता रह गया। वो खूनी फांसी चढ़ने वाला है ये आप भी जानते हो। ऐसी आदमी पर कड़ी निगरानी ना होने की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और इस महीने 21 तारीख को वो फांसी पे चढ़ने वाला है ये जानकर मेरा रूह फना हो गई। मैं इंसाफ के लिए आपके सामने आई हूँ। आखिर तुम क्या चाहती हो बेटी? जिससे जबरदस्ती मेरी शादी हुई उस रविशंकर की, फांसी की सजा रद्द कीजिए। ये कैसे हो सकता है बेटी? वो मुमकिन नहीं है। अगर वो मुमकिन नहीं है तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगी। मैंने ऐसे क्या गुनाह किया है कि किसी और की गलती की सजा मुझे भुगतनी है? जो भी हो, अब वो मेरा ब्याहता पति है। सनातन हिंदू स्त्री होने के नाते इनके मौत के पश्चात मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैंने ऐसे क्या गुनाह किया कि जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं? मेरे कोई गलती के बिना जिंदगी भर विधवा बनकर क्यों रहूं? जवाब दीजिए योर ऑनर। पुलिस के नाकारी, जेलर की बेवकूफी के वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद कर लूं क्या? मेरी जिंदगी खत्म कर लूं क्या? सोचिए योर ऑनर। मेरे पति को रिहा करके मेरी सुहाग को मुझे लौटा दीजिए। माय गॉड। अदालत में आवाज उठाने वाली महिला, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा सुहाग का रक्षा करो, ऐसा श्रीमती भारती का अर्जी है। इससे अदालत आश्चर्यचकित हो गया। क्यों पिताजी, ये खबर आपको इतनी खुशी दे रही है? मेरा भांजा सही सलामत लौट रहा है तो मुझे खुशी नहीं होगी तो और क्या होगा? क्यों झूठ बोल रहे हैं पिताजी? अगर आप रवि की भलाई ही चाहते हैं तो लोकनाथ मामा से मिलके मेरी शादी उस पागल से करने की क्यों कोशिश करते? देखो बेटी, मेरी जिंदगी सांपों को पालने वाला सपेरा जैसा हो गया।
तेरे मामा एक जहरीला सांप है, वो डसेगा मुझे पता है। पापी पेट के लिए उसे खिलाना पड़ता है। कब उसका जहरीला फन अपने जिंदगी ऊपर पड़ेगी ये सोचकर मैं डर डर कर जी रहा हूँ बेटी, डर डर कर जी रहा हूँ। पिताजी। बेटी, अगर तू रवि से शादी करेगी मुझसे ज्यादा खुश होने वाला और कौन हो सकता है बेटी। तुम्हारी मामा से दोस्ती की नाटक करते हुए उसे गलत सलाह देकर उसकी हैवानियत कम करते आ रहा हूँ बेटी, कम करते आ रहा हूँ। मगर बेटी, तुम्हें और रवि को पति पत्नी के रूप में नहीं देख सकता, ये बात मुझे खा जा रही है बेटी। रवि का जिंदा रहना ही काफी है पिताजी। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। आइए साले साहब, क्या माल गोदाम में उतार दिए क्या? सुबह सुबह एक बुरी खबर मेरे दिल में छुप गया जीजा जी, इसीलिए माल को वहाँ छोड़कर आपके पास दौड़ा चला गया। क्या तुम्हारा बेटी फिर से वो रवि के पास भाग गई क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारती नाम की लड़की को, वही जीजा जी जिसने कार में आकर आपका रास्ता रोका था ना, छोकरी, उस लड़की को इसने जबरदस्ती शादी कर लिया। उस लड़की ने अपने पति के रक्षा करने के लिए अदालत तक पहुंच गई। ये कहां से अपने गले पड़ गई सती सावित्री जैसा? जैसा तुमने कहा, अगर वो सती सावित्री है वो जरूर अपने पति को बचा लेगी। ऐसे बकवास बातें बकोगे तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। तुम मुझे एक बात बताओ, तू मेरा साडू है, घर का भेदी लंकाड़ा ये विभीषण है, सच बोल। क्या जीजा जी, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, आप तो भड़क गए। हमने उसके तेवर अपने आंखों से देखा था, इसीलिए ऐसा कहा था मैंने। क्या अदालत उसे ऐसे ही छोड़ देगी क्या? आफत किसी भी रूप में आ सकते हैं, सुरक्षा के लिए वो पीपी साहब का हाथ पैर जोड़ लेंगे। नो कंफ्यूजन, आप घबराइए मत, वो लड़की जिसने पट्टा भी नहीं लिया वो क्या कर सकते हैं? अब क्या बोलूं सरकार, वो रवि सांप सीढ़ी का खेल में सीढ़ी चढ़ गया है, अब उसे नीचे उतारना आप ही के हाथ में है। उसके बदले फीस के रूप में ये 1,00,000 रुपया हमारे जीजा जी देंगे आपको। अरे साले साहब, जब दो बड़े बात कर रहे हो छोटे बीच में नहीं बोलते। मैं तो आपका दर्द बांट रहा था। दर्द गर्द जाके बांटेंगे। बात ये है, वही 1,00,000 रुपये लेकर मैं केस लड़ूंगा, नो कन्फ्यूजन। चल आ जा। चलता हूँ। मिस्टर रविशंकर। यस। नो कन्फ्यूजन, आपने श्रीमती भारती से शादी क्यों? मैंने श्रीमती भारती से शादी नहीं की। जब आपने शादी नहीं की फिर आपको बचाने कोर्ट क्यों आई? मेरी बीवी है इसलिए। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, पहला बोला शादी नहीं किया, अब वो आपकी पत्नी बन गई। नो कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, तू कन्फ्यूज मत हो, मुझे घबरा मत, सीधा जवाब दो। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने शादी नहीं की, मैंने ये कहा कि श्रीमती भारती से मैंने शादी नहीं की, बल्कि कुमारी भारती से शादी की मैंने। ऑर्डर, ऑर्डर। कुमारी भारती को ही क्यों शादी किया? मुझे भी श्रीमती की जरूरत है इसीलिए। तुझे फांसी हुआ है, तू मरने वाला है, फिर शादी क्यों किया? सबको एक दिन मरना है ये तुम जानते हो ना, फिर आपने क्यों की शादी? मौत का किसी को पता नहीं, ना मुझे ना तुझे ना इन सबको, पर तू इस महीने का 21 तारीख को मरने वाला है। योर ऑनर, माननीय प्रोसिक्यूटर सब अदालत की तौहीन कर रहे हैं, न्याय के देवालय के पुजारी खुद भगवान मानना चाहते हैं। अपने सुहाग की रक्षा के लिए आपसे फिरियाद करके उस खटगरे में मेरी पत्नी खड़ी है, आपके अनुमति के बिना मैं 21 तारीख को मरने वाला हूं करके इन्होंने सजा सुनाई है। किस हैसियत से सजा देने वाले आप हो या ये? अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करो। सॉरी वरानर। मिस्टर रविशंकर, मैं बोलता हूं ये शादी एक चाल है। नहीं, इसमें कोई भी चाल नहीं। जरूर है, भारती से शादी करके झूठा केस बना के कानून के पंजा से फिसल जाना, यही तुम्हारा चाल है। नहीं, मेरी बेगुनाही का पता मुझे कुछ ही दिन पहले हुआ है, इसीलिए मैंने शादी की है। तुम निर्दोष हो, ये कौन सा नई चाल है? ना ही मैं कोई चाल चल रहा हूँ, ना ही मैं मुजरिम हूँ। ये केस तुम्हारा फांसी के बारे में नहीं है, तुम्हारी पत्नी को इंसाफ मिलेगा या नहीं यही विचार हो रहा है, तुम्हारी कड़ी खत्म हो गई। नो नो मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये दोनों कड़ियां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ तब ये न्याय स्थान को भारती के विनती को मानने से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तुम कहते हो कि ये खून तुमने नहीं किया, क्या उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? जरूर है योर ऑनर, रंगा को मैंने मारा जरूर था, मैंने खुद की रक्षा करने के लिए उसे मारा था, मगर मेरी घायल माँ को अस्पताल लेके जाने के बाद रंगा को क्या हुआ मुझे पता ही नहीं, लेकिन इस खून का जश्मदीद गवाह नारायण मेरे पास ही है। योर ऑनर, मौत के मुंह में जान हथेली में लेके डर के बैठा हूँ, मेरी इस छोटी सी विनती को स्वीकार करके उस जश्मदीद गवाह को कटघरे में बुलाकर उसकी कहानी सुनिए। परमिशन ग्रांटेड। जीजा जी, अगर इसने उनके सामने सारा सच उगल दिया,
आपको उल्टियां और कच्चे डकार शुरू हो जाएंगे। चलिए चलिए यहाँ से खिसकते हैं, चलिए। तू चुप बैठ शकुनी जैसा, अब शकुन की बातें मत कर। सबको मेरा नमस्कार। मैं लोकनाथ जी के घर पे माली का काम करता था। हमारे साहब और रवि बाबू के पिताजी के बीच में जायदाद के लड़ाइयाँ चल रही थी साहब। उसके बाद लोकनाथ जी ब्रह्मा जी के बेटी को जबरदस्ती अपने बेटी के साथ शादी करवाने का षड्यंत्र रचा साहब। तब अब मंत्र पढ़ना बस कर, वो सात फेरे जो है जल्दी से लगवा दो और खत्म करो। जो बोले सरकार, फेरे ही क्यों, शादी ही खत्म करवा देता हूँ। हाँ जल्दी। रवि बुझे, चल उठ पास है। तू बैठ जा, बैठे रे। कल्याणी उठो, चलो मेरे साथ। कल्याणी, अगर आज ये मंटप छोड़ के गई तो जिंदगी में शादी करने का लायक नहीं। क्या कर लोगे, मैं अभी कल्याणी से शादी करने वाला हूँ। तेरे में जिगर है तो रोक के दिखा, चलो। इस देश में दो प्रेमियों को एक होना है तो सात फेरे, वेद मंत्र का पठन और बारातियों का आशीर्वाद जरूरी है। और हम इस गांव के बड़े बूढ़ों के बीच सच्चाई के प्रति इस बापू के पुतले के सामने ही एक होने जा रहे हैं। आपके दुआएं हमारे लिए वेद मंत्र है और आपके आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद। रुक जाओ, ये मेरा गांव है और उस पुतले को भी मैंने ही स्थापित किया। ये सिर्फ एक पुतला नहीं है, सच्चाई को कायम विश्व भर में एक मिसाल है। वो कुछ भी हो, मेरे होने वाले बहू को मंडप से जबरदस्ती उठा के लेके आना अन्याय है। न्याय अन्याय तू कौन होता है बात करने वाला, जब वो लड़की का बाप खुद बात नहीं कर रहा हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे का समाज और कानून बोल रहा है। शुभ मुहूर्त देखकर शुभ विवाह का मंडप से दुल्हन को जबरदस्ती भाग कर लेके आना, ये नाइंसाफी है। किसी और के इजाजत के बगैर उसे होने वाली बहू भी कहना नाइंसाफी है। ब्रह्मा जी के मर्जी से इकरार किया हुआ शादी है। बोलो ब्रह्मा जी चुप क्यों? ये सच है, मैं अपने बेटे की शादी मेरे भांजे से करना चाहता था। मैं भी तो इनका भांजा हूँ। कल्याणी कोई छोटी दूध पीती बच्ची नहीं है, अब वो मेजर है। उसके मर्जी के खिलाफ कोई उसकी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता। वो तो अभी छोटी बच्ची है। मैं बच्ची नहीं रही मामा जी, मैं दुनिया की दस्तूर जानती हूँ। मैंने अपने तन मन धन से रवि से शादी करने की फैसला की। मेरे मर्जी के खिलाफ मेरा इज्जत नीलाम होने के बाद ये शादी होना नामुमकिन है। क्यों भाई लोग, ये अपनी गाँव का इज्जत की सवाल है। जबरदस्ती करके मंडप से दुल्हन को उठा के लाया, हर कोई अपनी मनमानी करेगा तो गांव क्या होगा, बिरादरी क्या होगा, कौन रोकेगा? तेरे बोलने से क्या होगा, कल्याणी का हाथ छोड़ता कि नहीं? वरना क्या? अस्पताल ले जाना है। मा? अरे अपाहिज, गाड़ी निकाल। डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। हे नारायण, जल्दी जल्दी चलो, लगता है मरने वाला है। ब्रह्मा जी, वो अभी भी जिंदा है क्या? अभी तक जिंदा है, हिल रहा है। अगर ये जिंदा बच गया तो समझो हमारी मौत आई।
ये मर जाएगा। सांस मत बंद कीजिए। ये क्या कर रहे हो? मर जाएगा। चुप बैठ रे कुत्ते, तुझे कुछ पता नहीं। इसका मरना बहुत जरूरी है। ये मरना चाहिए, वो रवि को जेल होना चाहिए और मैं सुकून से बैठना चाहिए। बुआ जी। मिस्टर रविशंकर, यू आर अंडर अरेस्ट। किस लिए? तुम इस लड़की कल्याणी से शादी करना चाहते थे और उसे शादी का मंडप से जबरदस्ती उठाकर लेके आए। जब रंगा ने रोकने की कोशिश की, उसे घायल कर दिया। जख्मी रंगा हॉस्पिटल जाने से पहले मर गया। ऐसा इन लोगों का कंप्लेंट है। क्यों बेटा इतना गुस्से से देख रहे हो? तेरा नादानी ने एक जिंदा इंसान को मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, उसे गिरफ्तार कर लो वरना ये हमें भी मार देगा। आप इनकी बात मान रहे हो क्या? हम जो बोल रहे हैं वो सच है कि झूठ? प्रत्यक्ष साक्षी उनका माताजी को। क्या ये सच है? आपका बेटे ने रंगा को घायल कर दिया? बोलिए। बिना मुंह खोले सच बोल दी। कमान बेटे, बेटे। ब्रह्मा जी, वो अपाहिज को पकड़ लो। अगर उसने गांव छोड़ दिया तो हमारी जान खतरे में आ जाएगी। ये हकीकत था साहब, मेरे आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने लोकनाथ जी ने रंगा को बेरहमी से मार दिया। सच बोलूंगा तो मुझे भी बेरहमी से मार देंगे करके इतना साल चुप बैठा था साहब। सरासर झूठ, अकबर बीरबल की कथा। गुनाहगार को बचाने के लिए यहाँ वहाँ के कड़िया जोड़ के अदालत को गुमराह कर रहा है ये गवाह। माँ की कसम साहब जी, मैं सच बोल रहा हूँ साहब जी। नो योर ऑनर, ये नारायण मिस भारती का काम वाला है। अपनी मालकिन का सुहाग बचाने के लिए ये नाटक कर रहा है। ये डोंग को साबित करने के लिए बस एक ही सबूत काफी है। गुनेगर भारती को जिस मंदिर में शादी किया था और जिस टेलीफोन बूथ से भारती ने पुलिस को फोन किया था, दोनों का फासला 200 मीटर है। भारती से जबरदस्ती शादी करने के लिए 5 मिनट काफी है, मगर पुलिस को वहाँ पहुँचने में 15 मिनट लगते हैं। जब तक पुलिस मंदिर पे पहुंची, भारती की शादी हो चुकी थी। मतलब अपनी शादी का षड्यंत्र में पुलिस को ही गवाह चुना इसने। इसीलिए युवरानर कानून को पसा के अदालत को गुमराह करके ये खतरनाक कातिल सजा से बचना चाहता है। अदालत से मेरी विनती है, उसको पुरानी सजा ही करार की जाए। मुजरिम ने जानबूझकर ही और जबरदस्ती ये शादी की है और श्रीमती भारती की बातों को मद्देनजर रखते हुए ये केस एक अजीब प्रेम के मोड़ पर आ गया है। मुजरिम ने भारती से शादी की ये बात सच है। ये शादी क्यों की, किस लिए की, ये अहम नहीं है। डिफेंस लायर की हैसियत से उन्होंने अपना पक्ष अदालत में रखा और अदालत से इस बात की गुजारिश की कि उसके साथ पूरी तरह से इंसाफ होना चाहिए। इस बात को देखते हुए, कानून को ध्यान में रखते हुए, एक भी अपराधी कानून से बचना नहीं चाहिए। मुजरिम ने ये खून नहीं किया है, ये बात किसी भी आधार पर साबित नहीं हुई है। इसलिए भारती के साथ जो पुलिस वालों ने ज्यादती की है, उसकी ठीक से जांच होनी चाहिए और मुजरिम रविशंकर के लिए जो सजा दी गई उसे बरकरार रखा जाता है। क्या हुआ साडू साहब, आप क्यों रो रहे हो? नहीं जी जज, खुशी के आंसू हैं। अब चलो भी। क्या हुआ, बिना पट्टे का प्लीडर बन के बड़े बड़े वकीलों से जो गुत्थी सुलझ नहीं पाई, उसमें उंगली डाल के तू क्यों फंस गई बेबी? तेरी जाल में हमें फंसाने के लिए तूने पूरी कोशिश की और तुझे विधवा बनाने की तैयारी मैंने कर लिया। इस चुटकी भर सिंदूर 4 दिन का खेल नहीं है लोकनाथ। मासूम जिंदगी बचाने के लिए भगवान को साक्षी मानकर मैंने ये शादी कर ली। सिंदूर के लाली तेरे जिंदगी काली करके हमेशा के लिए चले जा रही है। बेचारी, तुम्हारे नाम के जैसा तुम्हारी अस्तित्व भी अंधकारमय है। भारती, भारत माता की तरह तुम्हें भी भूख भिखमंगी और लाचारी की आदत पड़ गई है। गलत है भारती, तुझ जैसे तुच्छों को हथकड़ियां पहनाने और तुम्हें अंजाम तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रही है। मगर ये भारती तो विधवा बनने जा रही है, तब क्या करोगी? किसी और को अपने राजा बनाएगी या किसी और से संबंध रखेगी? घमंडी सुंदर और अकेली लड़की को ये समाज जीने नहीं देती। भारती, ये काम क्यों नहीं कर लेती? मुझे बहुत दिनों से एक दिली तमन्ना है कि एक शहर की रखेल को रखूं,
तू मेरे साथ रहे जा, तेरे मांग का सिंदूर भी बच जाएगा और मेरा। जब जंग जीतनी हो तो ऐसे बहुत सारे कुर्बानियां देनी पड़ती है मिस्टर लोकनाथ। अगर मेरे पति को सूली पे चढ़ना ही पड़ जाए, उसके दो मिनट पहले तेरी चिता को आग लगवा कर ही रहूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा पति का जीते जी में ये मंगलसूत्र को उतार दूंगी। बुआ जी, बस कीजिए बुआ जी। हे माँ, तेरे में आंसुओं का समंदर है क्या माँ? बच्चे के जन्म पे खुशी के आंसू और बच्चे के जुदाई पे गम के आंसू जो ना बहा सके, वो माँ कहलाने के लायक नहीं बेटे, वो माँ कहलाने के लायक नहीं। भारती, इस देश में कानून अभी जिंदा है और मेरे साथ इंसाफ होगा करके मुझे यहाँ ले आई हो। हार गई, वरना उसी दिन जाके उस लोकनाथ के टुकड़े टुकड़े करके आज अभी फांसी पर चढ़ जाता। फांसी पे चढ़ना उतना आसान नहीं रवि। कदम कदम पर धर्म, न्याय, सच्चाई और इंसाफ रुकावट पैदा करती है और अपने कहर दिखाती है। अब वही कहर हम पे बिजली बनकर टूट पड़ी। भारती जी, आपकी और रवि की शादी की बात सुनकर जरूर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन रवि के बचने की खबर ने उसे दूर कर दिया। मगर आज रवि के जिंदा रहने की उम्मीद छोड़कर कैसे जिंदा रहेंगे? हाँ भारती, बेगुनाह होते हुए गुनेगार के कटघरे में खड़े होकर फांसी का फंदा गले में डाल लिया। इस बार गुनाह करके फांसी पर चढ़ जाऊंगा। मेरी असली गुनाह तुझे पता है? तू जैसी मासूम लड़की का सब कुछ लूट लेना। बेटे, ये तूने क्या गजब किया मेरे बच्चे? तूने इतना भी नहीं सोचा कि तेरा ये अंधा बाप का दिल पे क्या गुजरेगी? ये खूनी जो फांसी पे चढ़ने वाला है उससे शादी करके ये क्या आफत लेके आए बेटे? डैडी, आपका दिखाया हुआ सच्चाई, आप ही के धर्म पथ पे चल रही हूँ, जिसका आदर करके आपने रोशनी खो दी और मैं मेरी सुहाग को। बेटी भारती, ये कड़वा सच कैसे झेल सकता है ये बूढ़ा? बेटी सुहागन रही है या विधवा? क्या दिखेगा ये अंध पाप को यही सोच के सजा दिया क्या मेरा बेटी? लेकिन जो बिजली आज मुझ पे कड़की, उसने मेरा दिल को चकनाचूर कर दिया। जिस दिन से मेरे आंखों की रोशनी चली गई, उस दिन से तुम्हारी आंखों से दुनिया देख रहा हूँ। हम तू भी अंधेरी राह पे कदम रख के हम दोनों की वजूद अंधकार में बना दिया बेटे। हाँ मालिक, आपने जो बोला वो सच है। इतने दिन मैं शर्मिंदा था कि मैं अपाहिज हूँ। सच बोलने पर भी सुन नहीं सकती, ये कानून अपाहिज है। सच्चाई को देख नहीं सकती, ये दुनिया अपाहिज है मालिक। शबाश वकील साहब, शबाश। जिस तरीके से आपने इस केस को अंजाम दिया, उस अकल मंदी को मैं दांत देता हूँ। इसीलिए आपको आज शराब और शबाब की नजराना पेश करता हूँ। कबूल हो। ओ किधर है? रात की मल्लिका, हाँ मैं हूँ रंभा उर्वशी मेनका। मैं हूँ तेरिक रात की मल्लिका, बाहों में अपने तो भरे
लगती पिक्चर तू देख ले हाय। मैं हूँ रंबा उर्वशी मेनका, मैं हूँ तेरी के रात की मल्लिका। तू है मजनू का चेला हाँ। राम लीला रास लीला, मैं हूँ सन्नी का लीला। इंटरनेट पे मुझको लाइक ना कर, लाइव वीडियो पे तो हो जा शुरू। कल की चिंता तो अब ना कर, कर ले मस्ती रात भर। आइसक्रीम माइसक्रीम, नाजुक अंगूर हो तू तोड़ ले, अंग से अंगों को तू जोड़ ले है? हाँ, फट। मैं हूँ रंबा उर्वशी मेनका, मैं हूँ तेरे के रात की मल्लिका। रवि शंकर के लिए जो सजा दी गई उसे बरकरार रखा जाता है। यमा, मेरे पति का प्राण ले जाना आपके लिए असंभव है। क्या है ये दुराधिकार? पुत्र के वरदान के समेत पति के प्राण भी साथ में दे दिए थे यम धर्मराज। सेंट्री, क्या हो गया बेटा? मेरी बेगुनाही साबित करने का जरिया मुझे मिल गया चाचा। उस जरिए से इस जेल से बाहर जाकर उस लोकनाथ को इसी जेल में वापस भिजाऊंगा चाचा। किसने बुलाया? मुझे मेरी बीवी से मिलना है। जेलर साहब से बोलकर उसे फौरन बुलवाओ। ठीक है ठीक है। ये क्या बोल रहे हो रवि? मेरी बेगुनाही का साबित करने का इससे अच्छा जरिया कुछ और नहीं है। प्रेसिडेंट का परमिशन मिल सकता है क्या? मुझे पूरा भरोसा है, इस धरती पर सावित्री और भारती को अलग अलग कानून नहीं है। जा भारती जा, सोचो मत भारती, जाओ। ओके राष्ट्रपति जी, ये मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट करेंगे क्या? जरूर होगा, इंसाफ की सीमा के अंदर रह के तुम अपने पति की रक्षा कर सकती हो। उसे मेरे पति से ज्यादा उन्हें बेगुनाह साबित करने की कोशिश है। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वो लड़की फिजूल में अपनी वक्त बर्बाद कर रही है। इस केस के सिलसिले में राष्ट्रपति जी कोई मर्सी दिखाएंगे मुझे नहीं लगता। मुजरिम को फांसी करार होने के बाद कितने बार राष्ट्रपति ने फांसी को रोक दिया है,
ये तो बस टेम्पररी सस्पेंशन है, बस थोड़े दिन के लिए। उसने जबरदस्ती शादी करके गलती किया ना, राष्ट्रपति कुछ करेगा मेरे को नहीं लगता है। जी, कातिल के फांसी की जगह एक लड़की की जिंदगी को महत्व दे सकते हैं। क्या 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 कैसा देगा भाई? इस केस में एक छोटा सा लूप होल है, वो लड़की राष्ट्रपति को क्या अर्जी दी? क्या है, जब तक मुझे बच्चा होगा तब तक मेरे पति का फांसी रोकने के लिए। अच्छा, अगर उसका बच्चा ही नहीं हुआ तो? अरे वाह, बहुत अच्छा लॉजिक पकड़ा इसने। इसीलिए जो इलीगल नहीं बनता वो लीगल ही नहीं होता है। ठीक है, देखेंगे। जीजा जी, अच्छी खबर। क्या वो रवि मर गया क्या? नहीं, छोड़ दिए। तेरी माँ की आंख, अच्छा खबर है बोल के मेरे मौत का पैगाम लेके आया, वो बचना नहीं चाहिए। छोड़ दो जीजा जी, वो पराया छोड़िए, वो मेरा भांजा है, रिश्ते में आपका भतीजा है। कैसा दगाबाज है तू, मेरे साथ रहकर मेरे पीठ पे कंजर बोके मुझे मारता हुआ देखना चाहता है, यही तेरा इरादा है ना? सच क्या नाम शनाप भगते रहते हो कभी भी, उम्र में तुमसे बड़ा हूँ और तुमसे पहले मरने वाला हूँ। वो छोड़, उसे किस कारण से छोड़ दिया वो बता। ऐसा पूछो ना, बताता हूँ। उस लायर लड़की ने उसे बच्चा पैदा होने तक रवि के फांसी को रोकने के लिए राष्ट्रपति को अर्जी दाखिल कर दी। अर्जी ही तो दी है, वो राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, वो उसे देखकर थप्पा लगाना चाहिए फिर आएगा बाहर। देखो ना, राष्ट्रपति मान गया और पेपर में आ गया। मेरे मौत का पैमाने पे थप्पा लगा दिया उसने। रवि, मार्कंडेय की गाथा पुराणों में सुनी हो, सत्यवान की गाथा इतिहास में पढ़ी हो, मृत्यु से लड़के आए मृत्युंजय, तुम्हें अपने आँखों से देख रही हूँ। देखो रवि, राष्ट्रपति की अनुमति से बच तो गए, पर अभी भी मेरी निगरानी में ही हो, तुम इस घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। दैया रे दैया, अगर तबीयत बिगड़ गई तो अस्पताल भी नहीं जा सकते क्या? चामुंडेश्वरी, तू अपनी मुंह बंद रखो, ये पुलिस का मामला है। ठीक है। एक बार जेल से भाग के मेरे जान खतरे में डाल दी, इस बार बेकार में भाग कर नहीं आया, अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। तुम्हें क्या करने वाले हो उससे मतलब, तुम्हें इस घर के बाहर कदम रखना है तो हिटलर शर्मा के परमिशन लगेगा। अगर आप मेरे साथ खेलना चाहो हम दोनों गिल्ली डंडा खेलेंगे। वो यहाँ गिल्ली डंडा खेलने नहीं आया मेरे लक्की, वो यहाँ अपना पहला बच्चा पैदा होने तक रहेगा बस। दया रे दया, अपने जैसे इनको भी कोई औलाद ना हो तो। हमारा प्रॉब्लम बीच में मत लेके आना, पहले इनकी सुहागरात की तैयारी करना। दया रे दया। भारती, कंचारे कंचा क्या है ये दादा तू बोलो, कंचारे कंचारे कंचा मेरे ये दिल में बस जा तू, क्या ये प्यार का इजहार है, तू ही मेरा संसार है। तरारा 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 रारा रारा, कंचारे कंचारे कंचा क्या है ये दादा तू बोलो, कंचारे कंचारे कंचा कंचारे कंचारे कंचा क्या है ये राधा तो बोलो।
मेरे दिल की तू ही धड़कन जान ले सनम कंचा रे कंचा रे कंचा मेरे ये दिल में बस जा तू कंचा रे कंचा रे कंचा क्या है ये राधा तू बोलो तू ही मेरा संसार है क्या ये प्यार का इजहार है तारारा तारारा तारा 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 कंचा रे कंचा रे कंचा क्या है ये राधा तू बोलो मुझसे आँख मिचोली खेले तेरी खातिर अदा हद से गुजर जाऊंगी बालम होके तुझ पे फिदा चूले मस्त मदहोशिया पीले होठों की प्यारिया मेरे धड़कन में बस जा तू हो मेरे सनम जीना नहीं तेरे बिना प्यार की कसम कंचारे कंचारे कंचा क्या है ये राधा तू बोलो कंचारे कंचारे कंचा मेरे ये दिल में बस जा तू क्या ये प्यार का इजहार है तू ही मेरा संसार है तारारा 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 रारा रारा कंचारे कंचारे कंचा मेरे ये दिल में बस जा तू कंचारे कंचारे कंचा ओ कंचा हाँ मेरे ये दिल में बस जा तू है कल्याणी आपसे कुछ पूछना है भारती जी क्या है वो अपने मेहनत से रवि को बचाई जेल से रिहा कर उसे शादी कर ली फांसी से छुड़वा कर उसे घर ले आई पर अब ये दूरी क्यों भारती जी अगर किसी ने तुम्हारे पास अपने पैसे बचा के रखने के लिए दिए तब तुम क्या करोगी हिफाजत से उसे लौटा दूंगी मैं भी वही कर रही हूँ रविशंकर तुम्हारा है कल्याणी उनकी जान बचाने की कोशिश है मगर रिश्ते बढ़ाने की कोशिश नहीं फिर आपने उससे शादी क्यों की मैं कानून से शतरंज खेल रही हूँ कल्याणी इसीलिए रवि की रानी बनी हूँ मगर रवि के साथ रानी बनकर जीवन भर साथ रहने की कोशिश नहीं है रवि की बेगुनाही साबित करने और उसकी जिंदगी बचाने के लिए ही था तुम ये सोच सकते हो कि यह शादी तुमसे क्यों नहीं अगर इस जंग में मैं हार जाऊंगी तो मेरा नुकसान का मूल चुटकी भर सिंदूर होती है वो सिंदूर तुम्हारा होना मुझे पसंद नहीं कल्याणी इसीलिए अपने आप को मैं दांव पे रख चुकी हूँ ये जंग अगर मैं जीतती हूँ तो रविशंकर को तुम्हें ही सौंप दूंगी भारती जी ये क्या माँ इतना जल्दी जा रही हो मैं जब यहाँ हूँ वो छोटी सी गाँव में तुम क्या करोगी तू भी यहीं रह जा माँ बेटे तुझे परिवार के साथ हंसते खेलते देखने का मेरा दिली तमन्ना है पर तेरा अगर परिवार होगा और उसमें तू शामिल नहीं होगा यही चिंता मुझे दिन रात खाया जा रही है बेटा खुशी से खेलने के लिए नहीं माँ मैंने ये शादी की इसी राह पर चल के मेरी बेगुनाही साबित कर लूंगा माँ वो लोकनाथ बकरे की खाल में भेड़िया है ये सबको बता दूंगा वो निकम्मा हत्यारा है बेटा तुझे भी मार देगा लोमडी का शिकार आता है माँ उस लोमडी पर रीछ की तरह झपट के उसे सच उगलवाऊंगा माँ सुनो जी कहाँ जा रहे हो और कहाँ वो रविशंकर भागे ना इसलिए पहरा देने जा रहा हूँ दया रे दया सुनो तो एक बार मेरी तरफ देखो जी इतने सालों के बाद शाम को आप घर पे सो रहे हो
सफेद साड़ी पहन के, बालों में गजरा लगा के, सज के सवर के मैं बैठी हूँ, पहरा देने जाएंगे क्या? तेरी मस्ती भरी आँखों को देखने के लिए मगर मैं ऐसा मुड़ा तो वैसा सटकने लगा और मुझे परमानेंटली जेल में सोना पड़ेगा। हे भगवान, तुझे क्या हुआ रे? जी जी, सुबह से उल्टियाँ हो रही है। खट्टा खाने मन कर रहा है क्या? हाय दया रे दया, ये कैसे अचंभा है? क्यों जी, क्या है ये? उसको उल्टियाँ क्यों हो रही है मैं सोच रहा हूँ, तू चिल्लाओ मत। दया रे दया, आपको कुछ भी पता नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है। बहुत दिनों से ये आपके नजर में थी, मुझसे नजर छुपा के इसके भोलेपन का आपने फायदा उठा लिया होगा। बोलो जी, बोलो जी। अरे भगवान, इन उल्टियों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, 14 साल से सुनी तेरी कूद की कसम। नहीं है, वादे नहीं है, पहले चलिए अस्पताल को। अस्पताल क्यों? हाँ, अगर ये माँ बनने वाली है उसी अस्पताल में 3 मौत होंगे। चलिए, मुझे कुछ नहीं सुना, पहले चलो। तू आ, कपड़े तो बदल के आता हूँ, छोड़ना। कपड़े बदलेगा कपड़े, चल तो। कोई मुझे बचाओ। क्या रे, अपनी जान इतनी कीमती और दूसरों की सस्ती? आज मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, अगर तूने चिल्लाने की कोशिश की तो तेरी गर्दन मरोड़ कर तेरी सांस रोक दूंगा। मत मारो, मत मारो। चिल्लाना नहीं बोला था ना? मार लगी, बहुत दर्द हुआ तो चिल्लाया। यहाँ इस दिल पे कितने सारे जख्म किए तुम्हें पता है ना? ये बेचारा दिल कितनी बार दर्द से रोया, चीखा, चिल्लाया तुम्हें मालूम है ना? फिर भी ना मैंने किसी से फरियाद किया या ना रोया, इसीलिए अब तू भले ही तेरी चमड़ी उधड़ जाए या जोर से मार लगे, चिल्लाना और चीखना नहीं चाहिए। कैसी लगी?
मेरी जायदाद लूटने जैसी मीठी लगी, मुझे जेल भिजवाने जैसी खुशी हुई। बेटे माफ कर देना, बूढ़ा हूँ, गलती हो गई। तुझे माफ कर दूं? तुझ जैसा जल्लाद माफी के हकदार नहीं है। तो फिर मुझे मार डाल। मारूंगा नहीं, तुझे जिंदा रखूंगा। किसी रिश्ते के बिना मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए भारती ने जो सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए मुझसे शादी की है, अभी तुझे मार के उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता। मगर याद रख ले, तेरे लिए रोज ऐसे ही आता रहूंगा। आज हाथ, कल पैर, परसों सर, इसी तरह रोज तेरी एक एक अंग तोड़ के तुझे इवैपोरेट कर दूंगा। खबरदार, रुक जा। अगर चैन से मरना चाहता है तो सीधा कोर्ट में आकर तेरी जुल्म कबूल कर ले, बच जाएगा। उसका पेट खराब हो गया था, किसी ने मेरा बात नहीं सुनी। आप डॉक्टर ने बोल दिया ना कुछ नहीं। उसका पेट खराब हुआ या आपका नियत, किसे मालूम। अब मेरे दिल को सुकून पहुंचा। ठीक है, आप जाके सो जाओ। जाओ नहीं, जाएंगे। चलिए सोते हैं। बाप रे मेरे कैदी। कैदी नहीं, वैदी नहीं, चलिए सोते हैं। कहाँ चिपक गए मुझसे, चिपकली जैसा। रुको रुको, रवि अंदर है कि नहीं देख के आता हूँ। रवि, दरवाजा खोलो। रविशंकर, दरवाजा खोलो ना। मैं हिटलर शर्मा हूँ, दरवाजा खोलो। अरे रविशंकर, क्या हुआ सर, आधी रात को हल्ला क्यों मचा रहे हो? यहाँ मेरा धड़कन रुक गया है रवि। क्या हुआ सर, दिल का दौरा पड़ा है क्या? सांप को बिल से निकाल के घर पे ले आया ना मैं, इसलिए। सर गुड नाइट। गुड नाइट सर। दरवाजा बंद कर लो। दया रे दया, रवि को बाहर निकालने के लिए तुम माँ बनने की ढोंग कर रही थी। हाँ जी जी, बेचारा रवि सच में हत्यारा नहीं है। उसकी बेगुनाह ही साबित करने के लिए मैं उसे मदद कर रही हूँ। तेरी शादी चिचोरे से कर दूँ, इतनी शानी कब से बन गई रे तू। कहाँ तू जीजा जी के जाल में फंस जाएगी। सोच कर मैं डर गई थी, पर उन्हीं को टोपी पहना दी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। लोकनाथ जैसे जानवर को मारने से हमें क्या फायदा होगा रवि? है भारती, मेरे मार से डर के वो मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी में कोई गलती कर बैठेगा बस। अपाहिज कई का, उठ उठ, तेरा बीवी समझा क्या, लिपट के सो गया कुत्ता। चोर कहीं भाग न जाए इसीलिए जोर से पकड़ के सोया था साहब। घोड़ा अंदर है, मैं नहीं हूँ। कल से उसी के पास सोऊंगा, लेकिन आज के लिए ऐसा चला लेते। चलिए चुप रहे, ये हिटलर शर्मा से खेल खेलेगा तो खंचे फोड़ के जेल में डाल दूंगा। ठीक है सब, मैं नीचे ही सो जाता हूँ। कैसे बुरे दिन आ गए सरकार, आपका नमक का के आज आपका पैर भी नहीं दबा सकते, कैसे बुरे वक्त आ गए। जीजा जी, ये पैर पे बटे क्या है, ये हाथ में क्या हुआ? छोड़ दीजिए साड़ू भाई, रात को अच्छी नींद में एक भयानक सपना आया था, छल के बाहर आया, सीढ़ियों से फिसल के गिर गया। तुम सपने में डर गए? औरों को तुम सपने में डराते हो, तुम कब से सपने में डरने लगे बाबा? हे भगवान, तुम्हें जिंदगी में आखिरी बार कुछ पूछूंगा, सच बताइए क्या तू मुझे जिंदा देखना चाहता है ये मुर्दा? ये राम, राम 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 राम, क्या बात करते हो जीजा जी, मेरी चिता को तुम ही को आग देना है ना। तू क्या मेरा चिता जलाएगा, रात को उस रवि ने मेरा चिता जला ही दिया था। क्या कल रात को रवि आया था? नहीं आया। जबान पिसल गई पर सच बाहर आया। बोलो जीजा जी, क्या हुआ? वो आया था, उसे मुझे धमकी दी, मैंने मारा, वो चला गया। वो तुमसे मार खाकर भाग गया और ये मुझे मानना पड़ेगा। बलात्कार में गिरफ्तार कैदी भी इतने सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल कोई नहीं पूछता। इन सब चीजों का कारण वो लड़की लायर है।
पहले वो माँ ही बनेगी या मेरा मौत आएगा समझ में नहीं आ रहा। अगर उसको बच्चा ही नहीं हुआ तो भांज बनेगी। हाँ साडू भाई, उसका बच्चा होने तक रवि का फांसी तो टल गई, मगर वो लड़की ही मर गई तो तब क्या होगा? छिट से फांसी छड़ा देंगे। लायर मेम साहब, अकलमंदी तेरा बाप का जागीर नहीं। पेशेवर लायर जरूर नहीं हूँ, पर लाकर में लाख करने वाला जादूगर हूँ। हे लश्कर राव, रमन लाल जी, तुम दोनों फौरन शहर चले जाओ। सिटी में अपना गुंडों को लेके उस लायर लड़की को अगवा करके लेके आओ। अगर वो जिंदा बची तो हमारा बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वही मार दोगे साहब? नहीं, उसे लेके आकर हमारा गोदाम में बांधो। आज हाथ कल पैर परसों गर्दन तोड़ के तड़पा तड़पा के मारना चाहिए उसे। जाओ। कॉफी डैडी। Come out. मामा के यहाँ से आ रहे हो ना? फिर से नया षड्यंत्र रच के रवि को तुम लोग फांसी पे चढ़ाना चाहते हो ना? कल्याणी, आप सभी ने मिलके रवि को रंगा के कत्ल के इल्जाम में फंसाए है ना? नहीं बेटा, ये बात मेरी तरफ देख के बोलो। ठीक है, आपसे सच उगलवा नहीं सकती, अब इस दिल से रवि को निकाल के जिंदा भी नहीं रह सकती, मुझे भूल जाइए। बेटी 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 रुको, रुक जाओ बेटी, दरवाजा खोलो। बेटी बेटी कल्याणी, बेटी कल्याणी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो बेटी। नहीं पिताजी, लोकनाथ मामा से डर के मुझे मनाने के लिए आप हमेशा फांसी का ढोंग रचाते रहे। भले आपके लिए वो झूठ था, मगर ये सच है पिताजी। रवि से पहले मैं मर के आपके गुनाहों का प्रायश्चित कर लूंगी। मेरी बात मान जाओ बेटी, तू मेरी एकलौती बेटी है, अगर तू मर गई तो मैं क्या करूँ? मैं भी मर जाऊंगा। बेटी मैं सच बोल रहा हूँ, रवि ने रंगा को नहीं मारा, वो निर्दोष है। रंगा को तुम्हारे मामा ने ही मारा था, और इतना ही नहीं, अब वो भारती को भी मारना चाहता है। मेरी बात सुनो। हाँ बेटी, भारती को अगवा करने के लिए वो अपने आदमी को भेजा है। बेटी मेरी बेटी कल्याणी, बेटा ये तुम्हारा पिता आज से कभी गलत काम नहीं करेगा। मेरे बात मानो बेटा, तुम्हारी कसम है आज से। पिताजी, अगर मैं मर गई, पिता होने के नाते आप रो सकते हो, आप मर जाएंगे तो बेटी होने के नाते मैं रो सकती हूँ, लेकिन कोई रिश्ते के बिना भारती रवि को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा रही है। पिताजी, अगर हम में इंसानियत है तो भारती को बचाना ही होगा। हाँ बेटी, तो ठीक कहती हो, भले हमको कुछ भी हो जाए, चलो बेटी भारती को बचाते हैं। साथ क्या समझ रही थी तू मुझे? तेरी पति के मौत से पहले मुझे मार देगी, वरना अपने मंगलसूत्र फेंक देगी तू। नहीं आएगा, नहीं आ सकता। कदम कदम पर तोप जैसे आदमियों को बिठा के रखा है मैंने, अगर आ गया तो इसी गांव में जलकर राख हो जाएगा वो। धर्म और इंसाफ इतने जल्दी नहीं मरते, जिसका वक्त करीब आएगा वो ऐसा ही बात करेगा। तेरी मौत निश्चित है। चुप बैठ। लोकनाथ नाम है मेरा, मेरा नाम सुन के मौत को भी पसीना आ जाता है। और एक औरत होके तूने मेरे ही पसीने छुड़ा दी, किसी औरत ने आज तक झेल ही नहीं वैसी सजा है तेरे लिए। लेके आओ रे।
हुआ कल्याणी? गोदम के पास लोयर भारती को लोग मारने की कोशिश कर रहा है, अब मेरे साथ चलिए। अरे बाप रे बाप, उसके पास मैं जाऊँ? नहीं नहीं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। चाचा चाचा मेरी बात सुनिए। काका काका, क्या हुआ बिटिया? उधर गोदम में लोयर भारती को मार रहे हैं। और ससुरा लोकनाथ? लोकनाथ क्या हुआ बेटी? भगवान तू बाहर क्यों आई? चल अंदर, माफ कर देना बेटा। काका अरे धोखेबाज, तेरी इतनी हिम्मत, पीछे से वार करता है। पढ़ने से बिल्ली भी शेर बन जाता है लोकनाथ। इसे अंदर लेके जाके चमड़ी उधेड़ दो। कैसा है ये स्पेशल ट्रीटमेंट? भैया भैया, क्या हुआ कल्याणी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो बेटी, बताओ ना। गोदाम के पास लोयर भारती को लोग ना मार। हे भगवान! अरे बाप रे बाप, शेर के मुंह में कौन हाथ डालेगा? जल्दी से ये जगह खाली कर दे। काका, अरे बाप रे बाप, मैं मरना नहीं चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। तू जा यहाँ से, जल्दी चली जा। अरे बाप रे,
छोड़ दो वरना तू मरेगा। छोड़ दो भारती, तुम जल्दी से भाग जाओ, जाओ। कल्याणी, लोकनाथ, कल्याणी। आगे मत बढ़ना, फुकट पे मारा जाएगा। कानून के पंजे से, मौत के शिकंजे से बच के आया हूं। अब तेरी मौत बन के आया हूं कुत्ते। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, मैं कहता हूं आगे मत बढ़ो। ठहरो, ठहरो वहीं पे, ठहरो। बाबूजी, अहिंसा का प्रतिरूप आपके सामने ही एक कमीना दहन हो रहा है। ऐसे दरिंदों को देश के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में निकाल मारने का स्फूर्ति दो महात्मा। कल्याणी, रवि। इंस्पेक्टर, कमान कमान। भारती, तुम कानून से, दुनिया से लड़के, तुम्हारा सुहाग रवि को फांसी से बचा लिया। कानून से शतरंज खेलते हुए तुमने रवि से शादी कर ली। कल्याणी, लेकिन रवि का तुम्हारी मांग में सिंदूर भरते ही तुम्हारा रिश्ता उससे जुड़ गया। इस जन्म में रवि का साथ शायद मेरे नसीब में नहीं है। रवि, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। कल्याणी, 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 कल्याणी।